आज हमने पढ़ना था अपडेट पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आज हमने पढ़नी थी। अच्छा, लेकिन ये क्रड ऑपरेशन जो है ना बहुत हो गया, अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको हम अब ट्विटर बनाते हैं, ट्विटर या फेसबुक जो भी कह लो, सोशल मीडिया का नाम दे देते हैं इसको कोई, ठीक है। कैसे जज्बात उभर रहे हैं। अच्छा, तो मैं इसी को ही कॉपी करके इसकी एक मैंने इसका एक मैंने कॉपी बनाया और इसको अब मैं नाम दे देता हूँ 10, और ये अब है, ये ट्विटर है, सही है। तो ट्विटर ज़्यादा सही रहेगा या फेसबुक सही रहेगा? ट्विटर ही ठीक रहेगा, हाँ हाँ सही है। तो खैर अभी तो ट्वीट ही बना लो, बड़ी बात है। तो पहले हम सही है, तो पहले हम इसको ना इसको ट्विटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम पहले तो हम वो देख लेते हैं। सही है, तो मैंने कहा भाई CD 5 टैब, CD 10 टैब, और ये मैंने कहा npm run dev, जिससे मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं cd web करता हूँ और npm स्टार्ट करके फ्रंट एंड को भी रन कर देता हूँ। अब इसको ट्विटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक दो चीज़ें चाहिए होंगी थोड़ी सी। मुझे एक तो जो क्रड ऑपरेशन था ना, उसका मुझे डेटाबेस में स्कीमा थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, लॉगिन साइन तो वो रहेगा, सेम ही रहेगा एक्चुअली। ये मैं लॉगिन होने के बाद, ये जो मेरे पास चार पेजेस आते हैं ना, होम, गैलरी, अबाउट और प्रोफाइल तो होता है ट्विटर में, और होम होता है, ये अबाउट और गैलरी में हटा देता हूँ। सही है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास हैं, इसमें चार मैंने अभी लगाया भाई है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक टेक्स्ट एरिया बना के और ट्वीट का नीचे बटन लगा देता हूँ, और उसके साथ कुछ एक दो चीज़ें होंगी मेरे ख्याल से। ट्विटर में टेक्स्ट ही होता है ना, इमेज भी होती है साथ में। ठीक है, इमेज अपलोड भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, वो भी हमने कवर करना है। अब देखो ना कितनी सारी चीज़ें बाकी हैं और टाइम ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही स्लो हो। सही है, अच्छा, अबे हल्का हाथ रखना पड़ता है ना यार, बच्चे हैं अभी, फिर तुम ही बोलोगे बाद में ये सर ये क्या कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास जो मॉडल्स हैं, जितने भी डेटाबेस का सबसे पहले मॉडल तैयार होता है, तो अब प्रोडक्ट स्कीमा की जगह पे क्या होगा मेरे पास, ट्वीट स्कीमा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ट्वीट स्कीमा, ठीक है, ट्वीट स्कीमा में नेम नहीं होता, नेम की जगह क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ये ट्वीट का जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे होगा एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद ये ट्वीट किसने की है, ऑनर उसका जो होगा वो ऑनर आ गया। उसके बाद प्राइस नहीं होगा इसमें, डिस्क्रिप्शन नहीं होगी इसमें, इज डिलीटेड ऑब्वियसली इसमें होगा। सही है, उसके अलावा इसके अंदर फ़ोटो होगी, फ़ोटो नहीं एक्चुअली इमेज, कि जो भी ट्वीट की इमेज है वो होगी। अच्छा, ट्वीट की जो इमेज है वो एक्चुअली हम यहाँ पे उसका URL स्टोर करेंगे, तो स्ट्रिंग होगा वो, और रिक्वायर्ड ये नहीं है, बगैर इमेज के भी बंदा ट्वीट कर सकता है। तो ये मैंने ट्वीट का स्कीमा बना लिया, क्रिएटेड ऑन होगा इसमें। अच्छा, फिर उसके अलावा इसमें लाइक्स होंगे, ऑब्वियसली लाइक्स जो होंगे उसका जो टाइप होगी वो क्या होगी, एरे होगी। सही है, टाइप जो होगी उसकी वो एरे होगी, राइट, एरे होता है ना इसके अंदर। अब टाइप एरे होगी, अब एरे के अंदर एक्चुअली वो क्या होगा, अच्छा इसको मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ ना, कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे टाइप एरे करके लिखूँ, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको कि ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँ और उसके अंदर मैं बोल दूँ कि ऑब्जेक्ट आईडी है, कि जिस जिस बंदे ने इसको लाइक किया होगा ना उसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी ऐसे उसका एरे बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से भी कर सकता हूँ मैं, और इसमें से रिक्वायर्ड मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो लाइक्स इस तरह होगा, वेल लाइक को अभी मैं रोक देता हूँ क्योंकि अभी हम ये कवर नहीं करने वाले और आई एम नॉट श्योर कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, लाइक्स तक हम नहीं पहुँच सकते। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर कमेंट्स होंगे। ठीक है, और कमेंट भी क्या होगा, कमेंट भी एरे होगा एक्चुअली। सही है,
कमेंट भी एरे होगा, और वो एरे किस तरह का होगा कि एक कमेंट जो होगा आपका उसके अंदर एक अदद उस बंदे की आईडी होगी, जो भी क्या कहते हैं वो कुछ इस तरह से होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा यूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर उस बंदे की आईडी होगी जो भी यूज़र है कि किसने कमेंट किया है, उसकी टाइप ये हो जाएगी, और कमेंट का जो है टेक्स्ट होगा, ठीक है, कमेंट का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी उसकी, ठीक है। लेकिन कमेंट्स तक भी हम पहुंच नहीं सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हमने अभी तक फॉरगेट पासवर्ड वगैरह, फाइल अपलोड, ये सारी चीज़ें करनी है हमें। फिर हमने थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव, क्योंकि आपके कोर्स में शामिल है तो वो भी हमने पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। अब अल्लाह करे उसका हमारे पर टाइम बच जाए रिएक्ट नेटिव को इंट्रोडक्शन लेने का, तो है मैं तो पढ़ा दूँ, पढ़ाने में टाइम लगता है ना, फिर समझ में भी तो आना चाहिए, और टाइम हमारे पास क्या है, हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, स्कीमा को चेंज करके अब मैंने ट्वीट स्कीमा बना दिया। अब जहाँ जहाँ पे भी ये मेरे पास इस्तेमाल होता था स्कीमा, सही है, ज़ाहिर है APIs में इस्तेमाल होता था, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ भाई, प्रोडक्ट मॉडल इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, ठीक है, डिम हुआ हुआ था तो मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल था वहाँ वहाँ पे मैंने क्या कर दिया उसको, ट्वीट मॉडल, तो मैंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ पे ये है ना वहाँ पे क्या कर दो, ट्वीट मॉडल कर दो। तो ये देखो सब जगह पे क्या हो गया, ट्वीट मॉडल हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली मुझे ये क्या देगा, एरर देगा, तो ये क्रड ऑपरेशन जो था इसको मैं क्या कर दूँगा, तीनों चारों जो था मेरा क्रिएट एडिट डिलीट उसको मैं मॉडिफाई कर दूँगा। सबसे पहले पोस्ट है, पोस्ट की बॉडी में मुझे क्या चाहिए होगा, अब यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए होगा, प्राइस और डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब जो ऑनर मैंने इसमें ऑब्वियसली ऐड किया हुआ है कि ऑनर कौन है, तो प्राइस डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्राइस डिस्क्रिप्शन हटा दी मैंने, सही है, यहाँ से भी हटा दी, यहाँ से भी हटा दी, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट सही है, तो हम दो चीज़ें यहाँ पे डाल रहे होंगे, टेक्स्ट डाल रहे होंगे और इसका ऑनर कौन है वो डाल रहे होंगे। अच्छा, है क्या जी, इमेज तो अभी हमने अपलोड की नहीं है ना, जब इमेज अपलोड करेंगे तो अगर मौका मिला हमें इमेज का तो इसी एग्जांपल में हम इमेज ऐड कर देंगे। इमेज हम एक्चुअली स्टोरेज बकेट में सेव करवाएंगे कहीं ना कहीं, और उसका URL इसमें ऐड करेंगे, राइट। तो हमने कहा भाई स्टोरेज बकेट, फायरबेस स्टोरेज बकेट जो है वो बगैर क्रेडिट कार्ड के चल जाता है, तो हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज बकेट जो सबसे बेस्ट है वो S3 है, सबसे सस्ता और टिकाऊ है, ठीक है, हाँ। लेकिन स्टोरेज जो S3 है वो Amazon का है, वो बगैर क्रेडिट कार्ड के उसका अकाउंट नहीं बनता, ये एक प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो लग जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, इसकी API भी ज़ाहिर है अब मैं चेंज कर दूंगा, ये प्रोडक्ट है तो इसको अब मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ट्वीट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने कहा कि सही है सब, अच्छा सबको मैंने ट्वीट तो कर दिया, सही है, ट्वीट कर दिया मैंने। तो ये पोस्ट की API मेरी ठीक हो गई, क्रिएट हो गया, इसमें बॉडी डॉट टेक्स्ट हो गया, सही है। रिस्पॉन्स में ट्वीट एडिट सक्सेसफुली, मैं भी ये रखना चाहूँगा मैं। उसके बाद जो गेट है, ऑल ट्वीट्स जो हम गेट करते हैं वो हम कैसे करते थे, ऑनर की ID उठाते थे और इस डिलीटेड वो फॉल्स होना चाहिए, तो वो वाला हम लेकर आते थे जब सारी ट्वीट्स को हम गेट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करके लाते हैं हम उसको, और लिमिट स्किप वगैरह ये हमने देखा था लास्ट, तो 100 लेकर आएगा ये, जब भी हम इसको बाई डिफ़ॉल्ट ये 100 लेकर आ रहा होगा। अब ये पेजिनेशन की API कैसे बनती है वो भी हमने देखना था, बट मे बी हम देख पाए, लेकिन मे बी हम ना देख पाए होगा, ठीक है। ऑल ट्वीट्स सक्सेसफुली गॉट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर सिंगल ट्वीट को ही गेट करना है मैंने, तो मैं ट्वीट की ID होगी यहाँ पर,
कॉन्स्टेंट ये आईडी मैंने पैरामीटर में से उठा ली इधर, और मैंने कहा भाई फाइंड वन करो और वो ट्वीट उठा के ले आओ, ठीक है। अच्छा, अब ट्वीट के अंदर एक पैरामीटर ये भी हो सकता है कि इज़ पब्लिक है ये, ट्विटर में जो ऑप्शन होता है कि प्राइवेट कर दूँ मैं किसी ट्वीट को, या ट्वीट होती पब्लिक है, किसी को आइडिया है? फेसबुक पे तो हम कर सकते हैं, प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फाइंड वन करते हुए मुझे अगर सिंगल ट्वीट गेट कर रहा हूँ तो प्राइवेसी भी अगर है तो मुझे वो भी लगाना होगा कि इज़ प्राइवेट जो वो फॉल्स हो। अच्छा, बाकी सब सही है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड नहीं। अब इसमें होगा ट्वीट, ठीक है, ठीक हो गया, फाइंड वन कर दिया हमने, ट्वीट सही है। अच्छा, डिलीट में अब क्या होगा, वो एक्चुअली एडिट होगा, इस डिलीटेड को मैं ट्रू करूँगा उसके अंदर, तो एक्चुअली मैंने ये करना होता है, बट वो आप सब लोगों को पता है कि वो एडिट एक्चुअली होता कैसे। डिलीट वन का मैंने इस आईडी के ज़रिए उसको मैंने डिलीट करवा दिया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी मुझे लगानी होगी, क्योंकि ये डिलीट किया जा रहा है, तो डिलीट करते हुए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी ही ट्वीट को डिलीट कर रहा हूँ, किसी और भी ट्वीट को डिलीट ना कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं साथ में इसमें ऑनर भी लगाऊँगा कि भाई ऑनर जो है ना वो क्या हो, जो उसके लिए था ना गेट करने के लिए, क्या लगाता था मैं गेट करने के लिए, ये रहा, मैं कहूँगा कि ऑनर जो है ना ये खुद हो, किसी और की ट्वीट को डिलीट ना कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई ऑनर इक्वल्स टू ये होना चाहिए। सर, आईडी सेम थोड़ी होती है। क्या मतलब? आईडी सेम भी हो सकती है। नहीं ना, मैंने बोला देखो भाई एक ट्वीट है, उसकी आईडी है 321 मिसाल के तौर पर, तो मैंने कहा भाई आईडी 321 को डिलीट करना है ये वाला, और ऑनर उसका कौन होना चाहिए, ऑनर उसका वो होना चाहिए जो बंदा इस वक्त लॉगिन है। तो अगर ये ट्वीट मिल भी जाती है उसको, लेकिन ये ऑनर उसमें डिफरेंट होता है, तो वो क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा, समझ लो। तो ऐसी असल में इसमें जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि एक ऐसी ट्वीट को निकाल के डिलीट कर दो जिसका आईडी ये हो और ऑनर ये हो, जो टोकन के अंदर आईडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये ट्वीट की आईडी है, ये यूज़र की आईडी है, समझ रहे हो बात। तो अब होगा क्या कि अगर वो किसी और की ट्वीट की आईडी डाल के भेजेगा भी ना, तो उसको लिखा हुआ जाएगा ट्वीट नॉट फाउंड। सही है, एक सिंपल तरीका है, इसके अलावा भी दूसरे तरीके भी हो सकते हैं कि मैं अंदर ये ट्वीट मिल पहले ट्वीट को लेकर आऊँ, फिर मैं चेक करूँ कि इफ़ ऑनर इज इक्वल टू दिस, तो मैं उसको बोल दूँ मैं परमिशन डिनाइड, ये भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये एक सिंपल सा तरीका है जो कि काम करेगा बहुत सारे केसेस में, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जहाँ जहाँ लिखा हुआ था मैंने इसको ट्वीट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी API क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। अच्छा, एक पुट अभी भी रहता है। अच्छा, पुट के अंदर अब जाहिर है बॉडी के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट होगा जो कि मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, और प्राइस और डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट होगा, सही है। डॉक्यूमेंटेशन को भी मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, और भी हट जाएगा इसमें से। अच्छा, और किस को ये मॉडिफाई कर रहा है वो भी लिखा हुआ होगा। अच्छा, मैं बोलूँगा फाइंड वन बाई आईडी और उसमें ये अपडेट करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी कि ये खुद की ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ या खुद की ट्वीट को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, किसी और की ट्वीट को मॉडिफाई ना कर दूँ। तो इसमें फाइंड वन बाई आईडी अब काम नहीं करेगा, इसमें अब फाइंड वन एंड अपडेट लगेगा। अब फाइंड वन एंड अपडेट के अंदर मैं जो क्राइटेरिया पास करता हूँ वो कैसे पास करता हूँ मैं, वो मैं क्राइटेरिया इसको जेसन में पास करता हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है। फिल्टर होता है, सेकंड में अपडेट होता है, और थर्ड में ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, अब मैं इसको ऐसे क्राइटेरिया दूँगा बकायदा, और मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भाई आईडी जो होगी ना अंडरस्कोर आईडी, सही है, ट्वीट की जो अंडरस्कोर आईडी है वो ये होनी चाहिए जो अभी बंदे ने पैरामीटर में भेजी है, और उसका ऑनर कौन होना चाहिए, ऑनर की जो आईडी है वो ये होनी चाहिए, सही है, बॉडी डॉट टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये ऑनर होना चाहिए। तो जब भी फाइंड वन एंड अपडेट उस पर काम करे, मतलब ये क्राइटेरिया ऐसा डॉक्यूमेंट ढूंढ के लाओ और उसको ये वाला अपडेट कर दो। अपडेट में मेरे पास अब टेक्स्ट होगा और यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा,
ठीक है, प्राइस और डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, न्यू ट्रू का मतलब होता है कि जब ये रिस्पॉन्स दे तो जो नया वाला अपडेटेड वर्जन है वो मुझे ला के दे, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। और मैंने बोला कि ट्वीट मॉडिफाइड, तो ये मैं एक एग्जिस्टिंग मेरा क्रड ऑपरेशन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, किसमें, उसको मैंने ट्विटर की APIs में कन्वर्ट कर दिया, सही है। तो अभी आपने देखा कि क्रड ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कि चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो ई कॉमर्स हो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, कि अगर ट्विटर है तो उसमें क्या प्राइवेसी होती है, कैसे होता है, या क्रड ऑपरेशन में ई कॉमर्स स्टोर है तो उसमें क्या प्राइवेसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको चेंज किया हमने। अच्छा, ये हो गया। अब अगला काम मैंने क्या करना है, फ्रंट एंड की जो APIs है मेरी एक्चुअली, उसको अपडेट करना है मैंने। APIs चेंज हो गई, डेटाबेस में स्कीमा चेंज हो गया, यहाँ तो सर्वर में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है product.mjs, तो शायद मैं इस फाइल का नाम भी चेंज कर दूँ तो बेहतर है, ठीक है। product.mjs की जगह इसका मैं नाम क्या कर देता हूँ, tweet.mjs, सही है। और जहाँ पे ये इम्पोर्ट हो रहा है, एक्चुअली ये जहाँ जिस तरह से ये इम्पोर्ट हो रहा है डिफ़ॉल्ट वाले को उठा रहा है ये, तो अगर मैं इसको नाम चेंज ना भी करूँ तो सही है, लेकिन इसको भी मैं फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं बाद में, ताकि मुझे याद रहे, इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये गेट यूज़र वगैरह, जो यूज़र का जो क्रड ऑपरेशन है हमारे, वो तो उसी तरह से रहेगा हमारे पास, जो क्योंकि यूज़र का जो क्रड ऑपरेशन है उसमें क्रिएट जो होता है वो एक्चुअली साइनअप होता है, और उसके बाद ये गेट यूज़र अलग से बना हुआ है हमारे पास, जो यूज़र गेट होके आ रहा होता है, और अभी इसमें डिलीट यूज़र वगैरह हमने नहीं बनाया। तो अब यूज़र की जो क्रड ऑपरेशन है उसके अंदर अपडेट पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड, ये सब वो एक्चुअली यूज़र के क्रड ऑपरेशन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो फ्रंट एंड है उस पर चलते हैं, और उस पर चल के हम क्या करते हैं, उसकी UI को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, SRC कंपोनेंट्स और हमारा home.jsx है, इसके ऊपर ये काम हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स जो बने हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं वेरिएबल्स को भी चेंज करूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, अच्छा नहीं, URL तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, सही है, तो चलो इसको करते हैं अपडेट। मैंने इसको कहा कि ट्वीट्स और सेट ट्वीट्स, सही है। अब ये ट्वीट्स के ऊपर मैप चल रहा होगा। अच्छा, लोड प्रोडक्ट्स, ये एक्चुअली क्या है, लोडिंग के लिए हमने शायद ये लगाया हुआ था, कि जब तक वो लोड नहीं होता लोडिंग लिखा हुआ जाए, राइट, इसी के लिए था वो। अच्छा, ये टॉगल है कि जब भी ये टॉगल हो तो हम क्या करें, उसको चेंज करवा दें। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई लोड प्रोडक्ट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर दो, आप लोड ट्वीट कर दो, सही है। और लोड ट्वीट हो गया। अच्छा, इसका भी नाम चेंज करते हुए शायद मुझे ये काम करना चाहिए था, इसका क्या नाम था यार पहले, हाँ प्रोडक्ट नाम था ना इसका, प्रोडक्ट्स नाम था एक्चुअली, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स है वहाँ पे एक्चुअली ट्वीट्स हो जाएगा, ठीक है, ट्वीट्स हो गया ये। और ये जो सेट प्रोडक्ट था, ये जहाँ जहाँ पे था यहाँ पे सेट ट्वीट्स हो जाएगा, ठीक है। एस लगा हुआ है क्योंकि ये एरे टाइप का वेरिएबल होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं हम एस लगाएं, ताकि देखते ही समझ आएगा ये एरे टाइप है। एडिटिंग प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, एडिटिंग ट्वीट कर दूँगा इसको मैं, ठीक है।
क्योंकि वेरिएबल को मैं सेलेक्ट ऑल करके कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी लॉजिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम ये चेंज हो रहे हैं, लॉजिक मेरे पे मेरे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जहाँ जहाँ एग्जैक्टली ट्वीट था वहीं वहीं पे मैंने उसको चेंज किया। अच्छा, गेट ऑल प्रोडक्ट है, अब इसमें स्लैश ट्वीट्स हो चुका है क्योंकि मैंने ट्वीट को चेंज किया था, तो ऑटोमेटिकली ये ट्वीट्स आएंगी और सेट ट्वीट हो जाएगा। तो इसका अगर मैं नाम कंट्रोल डी करके चेंज कर दूँ अगर कि भाई गेट ऑल ट्वीट्स, तो भी मेरी लॉजिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कंट्रोल डी करके किया है, जहाँ जहाँ था सब जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट को मैंने कंट्रोल डी किया, जहाँ जहाँ था डिलीट प्रोडक्ट दो जगह पे था एक्चुअली, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था बटन के क्लिक पे। ठीक है, मैंने इसको कह दिया डिलीट ट्वीट, क्योंकि ट्विटर ने भी अब डिलीट का बटन दे दिया। ठीक है, और इसमें स्लैश प्रोडक्ट है तो अब मैं क्या कर दूँगा, स्लैश ट्वीट कर दूँगा इसको। ठीक है, सेट लोड ट्वीट लॉजिक बनी हुई हमारी। एडिट मॉड, इसमें प्रोडक्ट मिलता है मुझे, कंट्रोल डी किया मैंने, इसमें मुझे अब ट्वीट मिला करेगी कि ट्वीट पे क्लिक करूँगा मैं। सही है, ये जस्ट नाम चेंज हो रहे हैं, लॉजिक मेरी कुछ भी चेंज नहीं हो रही, लॉजिक बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब मेरे पास फॉर्मिक के अंदर क्या था, प्रोडक्ट नेम हुआ करता था, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगा, टेक्स्ट, इसको मैं बल्कि ट्वीट टेक्स्ट लिखूँगा। सही है, ट्वीट टेक्स्ट, और ये ट्वीट टेक्स्ट मैं कैसे करके लिखूँगा, वही कंट्रोल डी करके लिखूँगा कि जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ पे ये चेंज हो जाए। सही है, बस ये जहाँ जहाँ था मैंने सब जगहों पे इसको चेंज कर दिया, ट्वीट टेक्स्ट कर दिया मैंने। अच्छा, और ये जो प्रोडक्ट प्राइस है इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। जी सर, अटेंडेंस के लिए भेज दिएगा स्टूडेंट को जो रहते हैं, फिर मैं बंद करके जाऊँगा ऐसा ऐसे। अच्छा, क्योंकि राधा भाई आज है नहीं ना, वो छुट्टी में। अच्छा अच्छा, अभी भेज दूँ फॉरन? हाँ भेज दें, शीट पुलिस में मैं लगा दूँगा, फाइनल करके फिर दूँगा। अच्छा, या एक काम करें आप, यार सारे लोग ना अपना अपना आईडी कार्ड निकाल के अगर अपनी टेबल के सामने रखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लगाई है। अच्छा, जिनकी रह गई ना वो टेबल पर रखो, ये दोस्त आपका आईडी कार्ड ले जाएंगे। बस आईडी कार्ड ना ला के आप यहाँ टेबल के सामने रख दीजिएगा। अच्छा, तो ये मैंने प्रोडक्ट प्राइस और डिस्क्रिप्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक हो गया, और इन दोनों की जो वैलिडेशन थी मेरे पास यप में लगी हुई थी, वो भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अच्छा, ट्वीट टेक्स्ट के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, स्ट्रिंग होना ज़रूरी है इसका। एंटर योर ट्वीट टेक्स्ट, सही है, रिक्वायर्ड है, ट्वीट टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, मिनिमम इसके अंदर 3 कैरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 140 कैरेक्टर होता है ट्वीट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली लॉजिक बन गई, तैयार हो गई। ऑन सबमिट के ऊपर जो मुझे वैल्यूज मिलती हैं उसमें अब मुझे क्या मिला करेगा, उसमें मुझे टेक्स्ट मिलेगा और उसके अगेंस्ट ट्वीट टेक्स्ट मिल रहा होगा, और अब नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, रिस्पांस में मेरे पास रिस्पांस का डेटा आता है, उसको मैं क्या करवा देता हूँ, ट्वीट को लोड लगवाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है। ठीक है, अब फॉर्मिक एक और बना हुआ है हमारे पास जो कि एडिट करने के काम आ रहा है, उसमें भी ये दो चीज़ें नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये वैलिडेशन स्कीमा जो है ये भी ज़ाहिर है जो ऊपर था वही होगा इसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है। सही है, अच्छा, ये कोड रिपीट हुआ है, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए था, कोड रिपीटेशन को हम अवॉइड करते हैं, ये पता नहीं हमने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, स्कीमा को एक अलग वेरिएबल में बना लेते हैं। सही है, तो बल्कि ये कर लेते हैं हम हाथ के अंदर भी, स्कीमा को हम क्या करते हैं एक अलग वेरिएबल में बना लेते हैं। मैं उसको बोलूँगा कि कॉन्स्ट ट्वीट वैलिडेशन स्कीमा, और इक्वल्स करके ना ये स्कीमा इधर रख दूंगा मैं। सही है, और ये ट्वीट वैलिडेशन स्कीमा में क्या करूंगा, वो यहाँ पे लगाऊंगा डायरेक्ट। सही है, ऐसे करके लगाऊंगा ताकि कोड की रिपीटेशन मेरी बच जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी करूँगा। ठीक है, वेरिएबल में अलग से रख दिया और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया।
तो जाए डबल डबल जो बना हुआ था उससे वो सिंगल हो गया। अच्छा अब जो मैं पुट करता हूँ, पुट करते हुए भी मैं ये दोनों चीज़ें नहीं दूंगा इसको, सिर्फ यहाँ पे मैं टेक्स्ट दूंगा और उसके अगेंस्ट ट्वीट टेक्स्ट मुझे मिल रहा होगा। सही है, यहाँ पे भी मैं ट्वीट लिखूंगा, ऊपर मैंने यूआरएल चेंज किया तो ऊपर वाले का एक ऊपर कौन सा। अच्छा एपीआई, हाँ यहाँ पे ट्वीट हो गया, डिलीट वाले में गेट ऑल में ट्वीट हो गया, ठीक है। अच्छा इसके ऑन सबमिट में मैंने कहा स्लैश ट्वीट स्लैश जो भी एडिटिंग हो रही है उसकी आईडी, ठीक है। और ये वाली आईडी जो है वो उधर जाके चेक हो जाएगी कि इसी की अपनी है या क्या है। अच्छा ठीक है जी, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। अच्छा ये तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगी। हाँ अब जो हमारे पास एक आता फॉर्म हुआ करता था, फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है ना तीन इनपुट पैरामीटर्स हुआ करते थे, तो अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, तीन की जगह एक हो जाएगा, ठीक है। ये पहला इनपुट जो है हमारा, और इसके नीचे दो इनपुट्स और हैं, तो मैं उन दोनों इनपुट को गायब कर दूंगा, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। सही है, ये मैं बी आर से इसको पकड़ा मैंने और यहाँ तक उड़ा दिया। अब मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट है, आईडी इसकी ट्वीट टेक्स्ट है, प्रोडक्ट नेम इसका प्लेस होल्डर क्यों है, क्या लिखते हैं यहाँ पे यार, व्हाट इज़ इन योर माइंड, हाँ इसको अभी टेक्स्ट एरिया भी बना देना चाहिए मुझे, सही कहा है। अच्छा टेक्स्ट एरिया जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता, इसका मुझे क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है, तो मैंने इसको क्लोजिंग टैग दे दिया और मैंने इसका इसके रोज और कॉलम्स बता दिए। मैंने कहा रोज मुझे आप दे दो, चार दे दो आप मुझे रोज, और कॉलम्स आप मुझे दे दो, कॉल्स होता है क्या होता है, अच्छा कॉमा नहीं आता ना, इसमें कॉमा लगा दिया मैंने। अच्छा जी ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ गया, और इसमें एक बी आर भी लगा देते हैं ताकि बटन नीचे चला जाए, सही है। तो ये हमारा क्या बन गया, काइंड ऑफ एक ट्विटर बन गया, लॉग इन। क्या हुआ इसको अचानक, सर्वर मेरा क्रैश हो गया। अच्छा ये कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा मॉड्यूल नहीं मिल रहा उसको। अच्छा वो मैंने जो नाम चेंज किया था ना एपीआई में ट्वीट डॉट एम जे एस, तो उसको एक्चुअली यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये स्टिल वो बना हुआ है, प्रोडक्ट बना हुआ है, सही है, ट्वीट डॉट एम जे एस हो गया, ठीक हो गया, मोंगोस कनेक्टेड हो गया। अब हम देखते हैं हमारा फ्रंट एंड कहाँ तक पहुँचा है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बन गया है, गैलरी और अबाउट मुझे इसमें नहीं चाहिए। तो मैं ऐप डॉट एम जे एस में जाता हूँ और इसमें जाके जो मेरा नेविगेशन बार है, इस लॉग इन ट्रू पे जो नेविगेशन बार हमने बनाया है उसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, ये जो हमने इंटरसेप्टर्स लगाए थे ना इसको रिमूव भी करना होता है एक्चुअली, सही है, इंटरसेप्टर को हमें रिमूव भी करना होता है शायद, ये क्लीन अप में होगा ये काम। वेल अभी हम देखते हैं, अगर वो दो दो तीन तीन दफ़ा आ रहा होगा ना ये कॉन्सोल, अगर ये इंटरसेप्टर बार बार रजिस्टर करने से ना वो फिर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग इन जस्ट टू चेक इट आउट, इंटरसेप्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इंटरसेप्टर लिखा हुआ एक रिक्वेस्ट पे तीन चार दफ़ा अगर लिखा हुआ आने लग गया ना ये, तो इसका मतलब है इसको मुझे क्लीन अप करना होगा। अभी मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, ये लास्ट क्लास में हमने किया था ये चेक, हमने उसी टाइम करना था।
वेल अभी मैंने इसको लगे हाथों एक इस पर क्या लगा दिया, कॉन्सोल लगा दिया कि अगर ये रजिस्ट्रेशन मतलब एक लिसनर लग रहा होगा ना अगर इसमें, तो वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लग जाता है फिर, तो उसको क्लीन करना होता है। ठीक है, इस लॉगिन ट्रू के ऊपर जो मेरे पास नेविगेशन बार है मैंने उसमें से गैलरी और अबाउट को रिमूव कर दिया। सही है, अभी होम है मेरे पास और प्रोफाइल है, दैट्स इट। ठीक है, बंदे का नाम लिखा हुआ आता है और इस लॉगिन फॉल्स के ऊपर सिर्फ लॉगिन और साइन अप आता है। तो अब ये मैं इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ ट्विटर के ऊपर। सही है, प्रोफाइल का पेज एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रोफाइल के पेज पे क्या लगा हुआ है, स्लैश प्रोफाइल पे जाता गया ये, ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा यहाँ पे भी हमें आ रहे हैं इसको। अच्छा एक्चुअली प्रोफाइल का पेज मैंने अभी तक अलग से बनाया नहीं है, एक ही पेज है वो जो मतलब रूट का पेज है वही खुलता है, प्रोफाइल का एक्चुअली अलग से कोई पेज मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बता देता हूँ, प्रोफाइल का एक पेज बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई प्रोफाइल का पेज कुछ इस नाम से होगा, अभी है नहीं, जल्दी से बना लेते हैं ऊपर हम। इस पर ये एरर क्यों दे रहा है, SIGN यही तो होता है साइन अप की स्पेलिंग है ना, यही तो होती है स्पेलिंग की, पता नहीं अननोन वर्ड क्यों कह रहे हैं। स्पेस डल ही नहीं सकता, वेरिएबल के नाम में स्पेस डलता है, SIGNUB यही तो होता है यार स्पेलिंग इसकी, ये अननोन स्पेलिंग क्यों है, ऐसे यही होता है। खैर ठीक है, तो ये प्रोफाइल जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ये प्रोफाइल के नाम का पेज मौजूद नहीं है, अभी इसको हम बना लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्या करना है, पेज मेरा सेम होगा एक्चुअली, जो मेरे पास होम का पेज है ना home.jsx यही पेज होगा जो इसमें एडिट मॉडिफाई वगैरह ये सब कुछ इसमें लगा हुआ होगा। तो इसको होम को मैं क्या करता हूँ, होम को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट का बटन ही नहीं है, हटा दिया मैंने, चलो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सही है, profile.jsx बना दिया मैंने उसको, और मैंने कहा भाई app.jsx पे क्या कर दो आप, होम जो आपने उठाया हुआ है इसी से आप प्रोफाइल भी उठा लो। अच्छा, प्रोफाइल के पेज पे जस्ट क्या हो रहा होगा, जो ट्वीट आ रही होगी ना वो जस्ट मेरी आ रही होगी। सही है, और जो मेरा होम का पेज है उस पे सब लोगों की ट्वीट्स आ रही होगी, राइट। तो अभी जो मेरे पास सिचुएशन है उसमें क्या होता है कि होम पे जस्ट मेरी ट्वीट मुझे दिख रही होती है ना, तो वो एक्चुअली प्रोफाइल का है। तो प्रोफाइल का जो पेज है वो सही है, इसका मतलब है अभी मैं जो प्रोफाइल से जो API कॉल करता हूँ ट्वीट गेट करने के लिए, ये गेट ऑल ट्वीट्स जो मैं करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ कोई ID वगैरह नहीं देता, ट्वीट्स करके मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करो आप मेरी ट्वीट्स मुझे दे दो। सही है, और मे बी मैं एक और अलग से API बना लूँ कि उसका नाम मैं रख दूँ फीड। सही है, या क्या उसको न्यूज़ फीड रखते हैं ना फेसबुक पे, ऐसे न्यूज़ फीड बोलते हैं उसको, ट्विटर पे क्या बोलते हैं वेल तो यहाँ पे जब मैं गेट ऑल ट्वीट्स करता हूँ तो जब स्लैश ट्वीट्स मिलता है मुझे, तो ये बैकएंड पे मैंने इसको कैसे हैंडल किया हुआ है देख लेते हैं, चल के ज़रा कहाँ गया, tweets.mjs स्लैश ट्वीट्स जब मुझे मिलता है यहाँ पे तो मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ, सबकी ट्वीट लेकर आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, नहीं ऑनर मैंने लगाया हुआ तो है यहाँ पे, कि अगर मैं स्लैश ट्वीट्स करता हूँ तो मुझे ऑनर, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला ऑनर होगा तो ही आएगा, इसका मतलब है मेरी ट्वीट आ रही है सर। सही, और अब एक माप यहाँ पे मैं बनाऊँगा इसी के साथ, एक फीड के नाम से बना दूँगा मे बी। ठीक है, और फीड के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई सबकी ट्वीट लाओ आप,
मैं बोलूँगा ट्वीट फीड। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, ये ऑनर हटा दो, सबकी ले जा रहा हूँ। अब इसके अंदर ना रैंकिंग होती है, इसके अंदर बकायदा पूरा एल्गोरिथम लिखा जाता है कि अब जाहिर है हज़ारों लोग बैक वक्त ट्वीट कर रहे होते हैं, तो किसके ट्वीट को ऊपर दिखाना है किसको नीचे। एक तो ये ना कि जिस सीक्वेंस से किया उसी सीक्वेंस से ला के दिखा दे, लेकिन आमतौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह नहीं होता है। इसका बकायदा एल्गोरिथम लिखा जाता है कि किसकी ट्वीट को पहले दिखाना है किसकी बात को। मिसाल के तौर पे आपके 4000 फ्रेंड्स हैं आपके, या 4000 लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, ठीक, क्योंकि ट्विटर में तो फॉलो का हिसाब किताब होता है। तो मैंने अगर 4000 लोगों को फॉलो किया हुआ है और 4000 लोगों ने, चार में से चलो आधों ने ट्वीट किया है आज अभी, यानी कि पिछले 2-3 घंटों में अब मैंने ट्विटर खोला है, तो उन 4000 में से मुझे सबसे पहले किसका दिखाएगा वो फीड में, मेरे फीड में किसका पहले दिखाएगा। सही, तो अच्छा इस वाले केस में तो मैं फीड में से भी नहीं ला, मतलब फॉलोअर्स के भी पोस्ट नहीं उठा रहा ना, मैं तो बिल्कुल रैंडम उठा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कोई भी रैंडम बंदा हो जिसने अभी किया हो तो वो आ जाएगा मेरे पास। तो जो आपके ट्विटर का और फेसबुक का जो फीड होता है उसका जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, पहले आपके फॉलोअर्स में से लेकर आता है, लेकिन रैंडमली बीच बीच में ना नए लोगों की भी आपको पोस्ट दिखा रहा होता है जो आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, और उसको लगता है फेसबुक के कि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको दिखाता है बीच बीच में से, ठीक है। आप रील्स वगैरह वीडियोस जब देख रहे होते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वो आपके दोस्तों ने पोस्ट नहीं की हुई है, लेकिन वो वीडियोस आपको दिखती हैं रैंडमली फेसबुक के ऊपर, किसी एक वीडियो पे क्लिक करते हैं और फिर वो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट खुद ही चलता जाता है। तो ये जो गेट फीड है ना ये वाला, ये बाकायदा इसका एल्गोरिथम लिखा जाता है, अभी वो हमें डिस्कस करने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा सीधा उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग साइन अप हुए हैं वो क्या करें, उनमें से कोई भी बंदे ने पोस्ट किए तो वो आप लेकर आ जाओ। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ फॉलोअर्स की पोस्ट उठानी होती तो वो मैं कैसे उठाता, उसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास मेरी प्रोफाइल में ना एक फॉलोअर्स और फॉलोइंग का एक ऑप्शन होता। सही है, अगर मैं वापस जाऊँ मॉडल के अंदर DB रैपो में, तो यहाँ पर जो मेरा यूज़र स्कीमा है ना, इसके अंदर क्या होता, एक फॉलोइंग होता जो कि एक एरे होता ऑब्वियसली, ठीक है, इसकी टाइप होती, और फॉलोअर्स होता, ठीक है, ये दो चीज़ें होती मेरे पास फॉलोइंग। अब ये फॉलोइंग जो होता वो भी क्या होता, एक यूज़र होता, यूज़र कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जाहिर है जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो कौन है, वो भी आपकी तरह के ही यूज़र हैं, ठीक है। और इसमें कॉमा डाल के मैं रेफ भी लगाता, मैं लगाता कि रेफ कौन है, ये यूज़र्स हैं एक्चुअली, ठीक है। अब ये रेफ क्या चीज़ होती है, वो एक पॉपुलेशन के नाम से एक टॉपिक है MongoDB में, वो भी हम कवर नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, देख रहे हो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। वो तो वेल ये तुम्हें पता चलता जा रहा है ना अभी हम क्या क्या चीज़ें स्किप कर करके जा रहे हैं। अच्छा, MongoDB बाय द वे आपके सिलेबस में था भी नहीं, ये मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ अलग से, आपके सिलेबस में Firebase था, और Firebase में ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से हो भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है Firebase में ना, ये पॉपुलेशन वाली जो चीज़ है ये Firebase में हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ जो कॉरपोरेट लेवल के डेटा बेसिस हैं जैसे SQL है, जो SQL होता है, और MongoDB जो एंटरप्राइज में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके बगैर चल ही नहीं सकता एंटरप्राइज। तो ये वाला जो काम है ना फॉलोइंग और फॉलोअर, तो मैं पहले तो मुझे ये चाहिए होगा कि जो मेरा यूज़र है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी फीड गेट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है उसमें, उन लोगों की पोस्ट उठानी है जो मेरे फॉलोअर हैं, ठीक है। तो मैं फिर पहले तो मुझे फॉलोअर उठाने होंगे कि भाई मेरे फॉलोअर कौन कौन हैं, और मैं अपने फॉलोअर उठाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा कि ऐसी पोस्ट लेकर आओ जिसमें ये वाले ऑनर हों, जिनके जो मेरे एरे भरा हुआ है ना, इतने सारे ऑनर की आईडी है मेरे पास, मैंने कहा ये ऑनर जो है ना वो सारी पोस्ट लेकर आओ, तो मेरे पास सिर्फ उन लोगों की पोस्ट आएगी जो जिनको मैंने फॉलो किया हुआ।
सही है, मेरे मैंने फॉलो किया है उसकी मुझे दिखती है ना, जो मेरे फॉलोअर हैं उनको मेरी दिखेगी, सेम वाइस वर्सा होगा इसमें। तो आपका जो अच्छा, तो मेरे फॉलोअर की तमाम पोस्ट आएगी और उस सीक्वेंस में आएगी जिस सीक्वेंस में उन्होंने पोस्ट किया है, जिस टाइम के सीक्वेंस से पोस्ट हुआ है, ठीक है। इसमें भी अभी वो वाला एल्गोरिथम नहीं आएगा अभी भी कि भाई कौन सा पहले दिखाएं कौन सा बाद में। रैंकिंग अब वो फेसबुक किस क्राइटेरिया पे रैंकिंग करता है, ठीक है, मे बी इंटरेस्ट बेस पे रैंकिंग करता है। हाँ वही इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करता होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ये करता होगा कि इम्प्रेशन और व्यूज़ का रेशो निकालता होगा, ठीक है। इम्प्रेशन ये होता है कि आपके सामने से वो पोस्ट गुजरी है तो वो इम्प्रेशन काउंट हो जाता है कि इस पोस्ट में एक इम्प्रेशन आ गया, और अगर उस पर मैं रुक जाता हूँ उसको मैं देखना शुरू कर देता हूँ एक सर्टेन टाइम के बाद या एक सर्टेन अटेंशन मैं जब उसको दे देता हूँ तो उसमें व्यू काउंट हो जाता है कि एक व्यू हो गया इसमें, ठीक है। फिर अगर वीडियो है तो उसको कितने ड्यूरेशन तक बंदे ने देखा है, सही है। इस तरह इस वीडियो को कौन से वाले लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, मेरे ट्वीट के यहाँ पे ना इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसके इम्प्रेशंस बनाने पड़ेंगे, सही है। इम्प्रेशन मुझे बनाने पड़ेंगे जिसकी टाइप ज़ाहिर है नंबर होगी कि भाई इम्प्रेशन इसमें कितने आए, फिर इसमें व्यूज़ कितने आए वो मुझे बनाना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली ये भी नंबर होगा एक, समझ रहे हो। तो फिर इम्प्रेशन और व्यू का मैं रेशो निकाल के ना उसकी रैंकिंग करूँगा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ, और ये सब कुछ MongoDB में बहुत ईजिली हो जाता है, सही है। अच्छा फिर उसके अलावा फेसबुक मज़ीद ये करता होगा कि व्यूज़ और इम्प्रेशन का रेशो निकालने पे ना बहुत सारा ऐसा कंटेंट होगा जिसका बहुत अच्छा रेशो होगा, लेकिन अब ये इम्प्रेशन और व्यू का जो कन्वर्जन है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं इम्प्रेशन से व्यूज़ में कन्वर्ट हुए हैं, उन लोगों के कुछ टैग्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जो डॉक्टर के पेशे से वाबस्ते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं ज़्यादा, तो फिर ये किनको सजेस्ट, इसको टैग लगा देगा फिर इस वीडियो पे, ये फिर इसके टैग्स होंगे, ठीक है। ये टैग्स ऑटोमेटिक एल्गोरिथम होगा, वो जब बंदा रुकता होगा ना आगे तो वो टैग्स को कैलकुलेट मार के उस पर टैग लगा देता होगा कि ये वीडियो किसकी है, ये डॉक्टर से रिलेटेड वीडियो है, वो टैगिंग हो जाती होगी, फिर वो डॉक्टर लोगों को ज़्यादा सजेस्ट होगी। यही वजह है कि आप एक दफ़ा जैसी वीडियो देख लेते हैं ना बाद में आपको उसी तरह की वीडियो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टीज उसने टैग की हुई है पहले से कि आप डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं या आप गाड़ी चलाते हैं या क्या करते हैं, आपको पहले टैग किया हुआ है उसने, अब वो कैसे किया हुआ एक अलग स्टोरी है। फिर जो वीडियो होती है ना वो वीडियो कैसे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें, वो वीडियो की टैगिंग हो जाती है, तो टैग से मैच कर करके फिर आपको दिखाता है, क्योंकि YouTube के पास मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ रेशो की बात करें तो 80% रेशो वाले बहुत हज़ारों करोड़ों आइटम हैं उनके पास, लेकिन वो आप नहीं देखेंगे, उसको पता है आप कौन सा वाला देखेंगे, आपको वो दिखाएगा। तो ये तो मैंने छोटे छोटे एक दो पैरामीटर्स की बात की है, इस तरह के कई और हज़ारों चीज़ें कि मतलब फ़ोन की डिवाइस कौन सी है आपके पास, नेटवर्क कहाँ है, लोकेशन आपकी क्या है, ठीक है। अब जैसे अभी आप VPN लगाएंगे ना, नाइजीरिया का VPN लगाएंगे तो आप फेसबुक पे देखेंगे फिर वो वीडियो भी काले वाले उस तरह आने शुरू हो जाते हैं उनके, वो बहुत मीम्स वगैरह मीमर पता नहीं वाइन्स बहुत बनाते हैं वो लोग नाइजीरिया वाले ना, तो उनके अपने स्टार्स हैं एक, तो वो वाली आपको वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी बेस्ड ऑन लोकेशन, लेकिन वो आती थोड़ी देर है, सिर्फ थोड़ी देर में फेसबुक को समझ आ जाता है कि ये VPN लगाया हुआ है इसने, तो फिर वो वापस आपको पाकिस्तानी कंटेंट दिखाने लग जाता है, समझ रहे हो। अगर आपके पास कोई ऐसा सिमुलेटर है, जैसे QA वाले एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सेलिनियम, तो उसके अंदर सेलिनियम से जो डिवाइस बिल्ड होती है ना आपकी, सिमुलेटर बिल्ड होता है, और भी उसके अलावा भी बहुत सारे सिमुलेटर्स हैं QA वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम बाकायदा लोकेशन वगैरह IP सब कुछ सेट करते हैं ना जब, तो वो बिल्कुल फिर पता नहीं चलता फेसबुक को कि ये कौन सी चीज़ है, तो फिर पूरा कंटेंट वो नाइजीरिया का दिखाएगा आपको। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई भी होती हैं जो हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। अच्छा और यही वो ट्रिक्स हैं, यही वो टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने प्लेटफॉर्म को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाता है। टिकटॉक जो है उस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है, पूरी दुनिया में अगर आप उसके डाउनलोड्स देखेंगे ना तो टिकटॉक के जो डाउनलोड का जो ग्राफ है, तुमने डिलीट मार दिया, तुम दोबारा इंस्टॉल करोगे, ये इसका ग्राफ है, देख रहे हो ये कितनी तेज़ी से ऊपर गया। ये 2017 में 33 मिलियन था, ये बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था,
33 मिलियन से 46 गया डायरेक्ट, ये 17 के चौथे क्वार्टर में। क्वार्टर पता है ना, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं टोटल। तो 2017 के लास्ट क्वार्टर में ये थोड़ा सा ऊपर गया है, 2018 के पहले क्वार्टर में डबल से भी ऊपर चल गया है, मैंने 46 से 110, डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 2018 के दूसरे क्वार्टर में, तो अगर आप सालाना इसको देखें तो 2017 में 46 था ये, और 2018 में 200 मिलियन था। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, 150 मिलियन का जंप मारा है इसने, और फिर बीच में थोड़ा सा कम भी हुआ है, फिर दोबारा ऊपर चला गया। तो ये इतने ज़्यादा डाउनलोड्स इसके अचानक जो आए वो इस वजह से आए हैं कि ये क्या करता है, जो टिकटॉक जो आपको कंटेंट दिखाता है वो क्या करता है, आपको आपसे नहीं पूछता कि आपको क्या देखना है। फेसबुक और यूट्यूब आपसे पूछते हैं कि यार आप क्या देखना चाहते हैं, आप लिख के सर्च करते हैं तो आता है कंटेंट, ये पूछता नहीं है आपसे, ये आपको टैग करता है, बहुत अच्छे से टैग करता है। और ज़ाहिर है आपको टैग करने की एक स्ट्रैटेजी होती है ना, फेसबुक की एक अपनी स्ट्रैटेजी है कि बंदे को कैसे पता लगाया जाए कि ये बंदा कौन है और क्या देखेगा ये। तो इन्होंने कोई AI का एल्गोरिथम तैयार किया जो बंदे के क्लिक्स के पैटर्न को देखते हुए और उसके मोबाइल में कौन सी ऐप इंस्टॉल है और उन ऐप्स का नाम क्या है और कौन सी जगह पे वो रखी हुई हैं ऐप्स, समझ रहे हो, टिकटॉक सारी चीज़ें देखता है एंड्रॉयड के फ़ोन में ख़ास तौर पर। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए और आपके जो डेमोग्राफिक्स हैं उन चीज़ों को देखते हुए वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप क्या देखेंगे, आपको क्या पसंद आएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही टिकटॉक खोलते हैं, और उसको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं क्योंकि वीडियोस कितनी छोटी छोटी है, कौन सी वीडियो पे आपने कितने मिली सेकंड तक उधर नज़रें रखी हैं और कितने मिली सेकंड पे आपने उसको ऊपर कर दिया, वो इस बेस पे फौरन पता लगा लेता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, सही है। शुरू में ही पहली वीडियो आपको 5-6 अलग अलग तरीके की दिखाएगा, वो जिस पे आप रुक गए वही आपका इंटरेस्ट, और वो फिर वो चलता रहता है इसी तरह। तो वो इतनी तेज़ी से और इतना एक्यूरेटली इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं, और फिर आपको उसी तरह की वीडियोस वो दिखाता है, और इस तरह से आपको वो क्या करता है, इंगेज करता है, वो प्लेटफॉर्म आपको इंगेज करता है, और इंगेज इतना ख़तरनाक तरीके से करता है कि आपके पास अगर 2 मिनट भी होते हैं ना कहीं पर एक्स्ट्रा, तो आप फिर फ़ौरन उसको खोलते हैं प्लेटफॉर्म को। जो लोग टिकटॉक के एडिक्टेड हैं उनको ये बात पता है कि कहीं पर 2 मिनट भी टाइम होगा ना, मतलब होटल में बैठे जाके खाना ऑर्डर किया, अब वो 5 मिनट में ऑर्डर जब तक लाएगा उन्होंने फ़ौरन टिकटॉक खोल लिया। अच्छा, और इन्होंने फ़ौरन क्या किया, सब लोगों ने उनको कॉपी कर लिया। इस वक्त यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और सेम ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम ट्रिक्स। इंस्टाग्राम ने भी रील्स में सेम ट्रिक, हालांकि रील बहुत ज़माने से है उनका, टाइम हो गया, मतलब 2-3 साल 4 साल हो गया इंस्टाग्राम पर रील आए हैं, लेकिन वो अचानक उन्होंने भी उन्हीं को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आप अचानक देखें तमाम जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स थे सब में शॉर्ट वीडियोज़ इंट्रोड्यूस करवा दिए, और छोटे छोटे ड्यूरेशन वाली, और साथ में ये टैगिंग वाला, क्योंकि जाहिर है वाइट पेपर तो समझ आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है ना ये हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है उसको मैच अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो इस वक्त जितने सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले जितने बंदे हैं, अच्छा हालांकि आपको पता है टिकटॉक पैसे भी नहीं देता, टिकटॉक वीडियोज़ बनाने के पैसे नहीं देता, तो यूट्यूब का तो सीन ये है कि वो ऐड दिखाता है और ऐड में से आपको 40% देता है गालबन, या 30% देता है, जो भी ऐड का रेवेन्यू आता है उसमें से 30% शेयर करता है अपने क्रिएटर से, समटाइम और कम करता है। तो इसी तरह इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कुछ सिस्टम है, लेकिन टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है वो उसका कोई मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो इनकम है आपकी। अच्छा, बीच में इन्होंने क्या किया था, एक साल के लिए जो ये अचानक ग्राफ ऊपर गया ना, ये इस साल इन्होंने क्या अनाउंस किया था, 2016 में या 2015 में इन्होंने अनाउंस किया था कि हम हर साल का ना क्रिएटर फंड होगा हमारा। क्रिएटर फंड क्या चीज़ थी कि आपका जो एक अमाउंट होगा, $20 मिलियन इस तरह कुछ रखा था इन्होंने, या पता नहीं $200 मिलियन रखा था, इस तरह कुछ रखा था, एक बड़ा अमाउंट था। और उन्होंने कहा कि जितने भी बंदे क्रिएटर्स हैं ना, एक सर्टेन क्राइटेरिया से ऊपर जिनके व्यूज़ होंगे ना, उनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ही कम अमाउंट बना, सब लोगों ने जो रिपोर्ट किया बहुत ही कम अमाउंट बन रहा था वो। तो अभी भी वो देते हैं, अभी भी उनका जो अभी क्रिएटर फंड लिखूंगा मैं तो आ जाएगा,
क्रिएटर फंड ग्राफ, तो वो आ जाएगा कि किस साल इन्होंने कितना क्रिएटर फंड बताया है। ओके शुरू में जब इन्होंने अनाउंस किया था ना कि यार हम क्रिएटर फंड है, तो लोग बड़े पागल हो गए थे, तो बड़ी वीडियोस वगैरह बनाई थी उस पर। लेकिन वो जब अल्टीमेटली साल ख़त्म हुआ ना, तो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इतने ज़्यादा क्रिएटर उसमें आ गए कि वो फिर किसी को भी कुछ नहीं मिला। मनी दो सेंट से लेके चार सेंट तक मिलता है पर 1000 व्यू पे एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे ये नहीं अभी किसी ने मेंशन किया कि वो कितने मिलियन डॉलर था। वेल तो वो कुछ फिगर था, एक बड़ा अमाउंट था। तो वो इस तरह से करते हैं कि वो जितना भी, अच्छा ऐड भी नहीं चलाता था वो, अब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शायद अब शुरू कर दी है टिकटॉक में। लेकिन अभी तक उसके जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे जो मिला हुआ पैसा अभी तक वो क्रिएटर्स को नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद आप देखें इन सब को बीट कर दिया इसने एक स्ट्रैटेजी की वजह से। तो वेल हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत कुछ होता है इस तरह से और बहुत कुछ चल रहा होता है बैकग्राउंड में। तो उस पर लाइब्रेरीज़ भी लिखी हुई हैं लोगों ने, ये एल्गोरिथम्स बना बना के पब्लिक भी किया हुआ है। तो अगर आप ख़ुद से नहीं बनाना चाह रहे फ्रॉम स्क्रैच, तो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो आपको ये एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे। और इवन ये कि जो यूट्यूब पहले जो एल्गोरिथम यूज़ करता था, जो यूट्यूब के एक्स एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उन्होंने वो डाला हुआ है बना के कि यार ये इस तरह से करते थे यूट्यूब वाले, ठीक है। अच्छा यूट्यूब भी हर 6 महीने पे 8 महीने पे अपना एल्गोरिथम अपडेट करता है डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चाहिए लोगों को। ये किसका बज रहा है फोन यार? यार गेट बंद करो, पीछे उठो और गेट बंद करो दोबारा। अच्छा जी, तो हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं, तो हम क्या करते हैं जी, हम ये ट्वीट फीड जो है इसको हम सिंपल कहते हैं कि यार जितने भी बंदे हैं ना पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आप लेकर आ जाओ, उठा के लेकर आ जाओ, ठीक है। और सॉर्ट कर दो, आप आईडी से सॉर्ट कर दो उसको, दैट्स इट। तो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे भला, मैंने रिफ्रेश करना है। अच्छा होम और प्रोफाइल एक्चुअली सेम है, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वाला होम है और कौन सा वाला प्रोफाइल है। हेडिंग लगा के दिखा देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अच्छा और मैंने प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल पे तो सही है लेकिन होम पे मुझे क्या चाहिए, ट्वीट फीड्स चाहिए, ट्वीट फीड चाहिए ना, तो ये भी ज़रा मैं चेंज कर देता हूँ। होम पे अब मैं कौन सी API कॉल करूँगा, गेट ऑल ट्वीट्स पे ट्वीट फीड वाली API कॉल करूँगा। मैंने कहा ट्वीट फीड, ओके 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 सही है। मैंने जस्ट होम के ऊपर ना एक हेडिंग लगा दी है ताकि मुझे खुद को पता चलता रहे कि मैं इस वक्त होम पे खड़ा हुआ हूँ या मैं प्रोफाइल पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा प्रोफाइल पे मैं क्या करूँगा, कुछ यूज़र का डेटा भी डिस्प्ले करवाऊंगा, क्योंकि यूज़र का मेरे पास सिर्फ ऊपर नाम टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है, उसकी फ़ोटो वगैरह टॉप पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ये होम को मैंने अब क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। और अब मैं प्रोफाइल पे आके क्या करूँगा, टॉप पे इसके एक बॉक्स बना दूँगा, ठीक है, एक डिव बना दूँगा यहाँ पर मैं टॉप पर, जिसको मैं क्लास क्या दे दूँगा कि ये बैनर है, ठीक है। क्योंकि होम पर आमतौर पर बैनर वगैरह लगाया होता है ट्विटर ने भी और फेसबुक ने भी एक, बल्कि कवर इसको मैं कह देता हूँ, ठीक है। कवर के अंदर एक अगर मैं इमेज लगा देता हूँ जो कि फ़िलहाल एक डमी इमेज होगी, लेकिन इन फ्यूचर में उसको मे बी अगर इमेज अपलोड हमने किया तो इमेज अपलोड लगा देंगे उसमें, कवर होगा उसके अंदर हमारे पास। और इसके ऊपर हमने क्या सेट करनी है, एक अगर प्रोफाइल फ़ोटो उसकी सेट करनी है जो कि डमी होगा काइंड ऑफ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और हमने कहा कि कवर फोटो फेसबुक, तो एक कोई भी रैंडम यहाँ से हम कवर फोटो उठा लेते हैं, सही
सही है, हम ये वाली कवर फोटो उठा लेते हैं। ये वाली उठा लेते हैं। बट यार ये भी पता नहीं क्या किया है उन्होंने। एक काम करते हैं वहाँ से उठा लेते हैं। क्या नाम है उसका? फिग्मा। क्या नाम है? अनस्प्लैश नहीं, अभी थ्री पिक नहीं। अभी जो रेहान अल्लाह वाला कह रहे थे ना, पता नहीं उससे पैसे कमाओ ड्राइंग बना के। कैनवा, यस कैनवा पे जो है ना बने हुए कुछ होते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगा और मैं बोलूँगा कि मुझे क्या चाहिए, फेसबुक कवर चाहिए। तो ये कुछ बने हुए ना, नॉट लाइक दैट, लाइक दिस, पैसे कमाओ वाला आइटम है ये वाला, बॉर्न टू हसल। हसल सही है। और मैंने कहा कि भाई क्या हो गया ये, पीएनजी पे हो गया, जेपीजी पे होगा ना ये, तो जेपीजी में बेस्ट रहेगा, कलर्स इसमें ज़्यादा हैं। और इसको मुझे क्या किस पे चाहिए, 16:9 के रेशो पे चाहिए मुझे, राइट। तो मैं इसको क्रॉप का बटन दबा के ना यहाँ पे 16:9 का रेशो सेट कर दूँगा। अब इसमें क्रॉप क्यों नहीं आ रहा भाई, क्रॉप क्यों नहीं आ रहा यार? अच्छा मैं साइन इन नहीं हुआ वो, इसलिए नहीं आ रहा क्रॉप। ठीक है, 16:9 का रेशो। अच्छा फेसबुक या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होता है वो क्या करता है, जब आप उस पर वो करते हैं ना, हाँ चीज़ें अपलोड करते हैं जब आप उसके, तो वो उसी वक्त ही आपको बोल देता है कि भाई 16:9 पे उसको क्रॉप करें आप। अबे क्रॉप क्यों नहीं आ रहा भाई सर, वो ऊपर कोने पे, ये वाला पोजीशन सर, वो कोने पे एडिट इमेज है, हाँ है तो सही। अब इसमें एस्पेक्ट रेशो नहीं आ रहा, क्रॉप का एस्पेक्ट रेशो नहीं सेट होने का आ रहा। कोने से कैसे आएगा यार, 16:9 का रेशो चाहिए ना मुझे। अच्छा ये 16:9 का ही रेशो है एक्चुअली, मेरा कैनवास छोटा हुआ है, प्रॉब्लम ये हुई है, मेरा कैनवास छोटा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है। ये मैंने असल में शुरू में ही कोई गड़बड़ की है जिसकी वजह से वो सही खुला नहीं है। मैं सर्च कुछ और कर रहा था और ये हुआ कुछ और है। मैंने कहा फेसबुक टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में मैंने कहा कि फेसबुक कवर, सही है फेसबुक कवर, तो ये टेम्पलेट्स लेकर आएगा और मैं डायरेक्ट इसको डाउनलोड करूँगा एक्चुअली। ये कर रहा था, कौन सा मैंने किया था, ये वाला किया था ना इसमें से, ठीक है जी। चलिए ये इमेज बड़ी है और ये स्टिल इज अ प्रॉब्लम, नहीं बस ठीक है चलो इसको ऐसे ही डाउनलोड करते हैं। ठीक है ये हो गया डाउनलोड हमारे पास, और अब हमने क्या करना है, इधर ला के इसका एक कवर तैयार करके इसको लगा देना। डाउनलोड, और इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ से, और ड्रैग करके मैंने कहाँ रखना है ले जाके, IMG का जो फोल्डर है मेरा उसमें रख देना है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ cover.jpg। ठीक है, और जो मेरा प्रोफाइल है इसमें मैं इसको ऊपर इंपोर्ट करना होता है मुझे इमेजेस को, मैंने कहा कि इंपोर्ट कवर इमेज फ्रॉम img/cover.jpg। ठीक है, और अभी कवर इमेज मैंने कहाँ पे लगा देनी है, अपनी इमेज की जगह पर लगा देना है मुझे उसको। ठीक है ये कवर इमेज आ गई मेरी, देखते हैं ये दिख रही कैसी है। ठीक है बहुत ही वाहियात दिख रही है, इसको
इसको मुझे ज़ाहिर है क्लास देकर इसको सेट करना होगा मुझे। ठीक है, इसकी मैं सबसे पहले तो विड्थ इसकी 100% कर दूँगा, ऐसा ही है। कवर है क्लास का नेम, तो मैं क्या करूँगा प्रोफाइल डॉट सी एस एस एक बनाऊँगा ऑब्वियसली, और उसके अंदर ये सारा काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि प्रोफाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा डॉट कवर के अंदर जो आई एम जी है उसको क्या कर दो आप, डिस्प्ले उसका चेंज करने की ज़रूरत है मुझे, विड्थ 100% करूँगा ना मैं। विड्थ उसकी मैं कहूँगा भाई 100% कर दो, जो भी साइज़ है उस पर वो दिखे मुझे, सही है। और प्रोफाइल डॉट जी एस एक्स पे जाके मैं क्या करूँगा, इसको इम्पोर्ट कर लूँगा। प्रोफाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, चल गया इस पर, नहीं चला। प्रोफाइल डॉट सी एस एस ही तो नाम रखा है, सही तो रखा है। और कवर के अंदर जो आई एम जी है, सही है ना, यही था। अच्छा डॉट नहीं लगाया, नहीं डॉट तो लगाया मैं, क्लास नेम कवर, और कवर के अंदर जो आई एम जी है उसकी मैंने विड्थ 100% करवा दी। नहीं है ना 100%, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, नहीं नहीं उस पर अप्लाई नहीं हुआ असल में स्टाइल ये। जब मैं इस पर विड्थ 100% लगा, अच्छा विड्थ 100% पे ये क्या कह रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी, क्यों? अच्छा ये स्ट्रिंग में होता है ना ऐसे, यार तो ये इनवैलिड प्रॉपर्टी क्यों कह रहा है, सेमी कॉलन, ये अरे हो गया, पहले भी तो यही कर रहा था ना, पहले क्या मैंने डिफरेंट किया था, सेमी कॉलन अगर मैं हटा दूं तो, अच्छा कॉमा लगाया पता, हाँ कॉमा से मसला है उसको। तो मैंने कहा भाई विड्थ आपकी हो जाए 100%, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक प्रोफाइल का मुंह लगाना है, ठीक है, वो भी लगा देते हैं। वो कहाँ से लेकर आऊँगा मैं, ये हमारे पास एक अदद होगी प्रोफाइल पिक्चर की, और बोलो भाई अपनी लगा देते हैं, और बोलो, ठीक है प्रोफाइल डॉट जेपैक। ठीक है प्रोफाइल डॉट जेपीजी ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसी के नीचे जाके जो हमारा जो कवर है उसी के अंदर मैंने क्या लगा देना है, एक आई एम जी और लगा देना है, जिसका मैं एस आर सी क्या लगाऊंगा, मैं कहूँगा प्रोफाइल फ़ोटो, सही है। और इस प्रोफाइल फ़ोटो को मैं ऊपर क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। सही है प्रोफाइल डॉट जेपीईजी, तो ये कुछ इस तरह से आ गई है हमारे पास। और अब मैंने क्या करना है, अब इन दोनों को मुझे अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, तो इसके साथ मैं क्लास नेम इस पर भी एक लगा दूंगा, मैं कहूँगा कवर, सही है। और इस पर भी एक क्लास नेम लगा दूंगा जिसको मैं बोल दूंगा प्रोफाइल, ठीक है। और इसको मैं बैनर कर दूंगा, ठीक है, बैनर के अंदर कवर ऐसे करके कर दूंगा। तो मैं इसमें बोलूँगा बैनर के अंदर जो डॉट कवर है, ठीक है, ऐसे करके अब मैं बोलूँगा इसको, ठीक है। और इसमें मैं क्या बोलूँगा, डॉट बैनर के अंदर जो डॉट प्रोफाइल है उसको क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस उसका 50% कर दो, और विड्थ उसकी जो है आप कर दो 100 पिक्सल एक्चुअली, ठीक है। वैसे तो मुझे इसको चाहिए था कि मैं इसको और छोटा करता, 100 पिक्सल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये क्या सीन है, कॉमा दे दिया मैंने, ओके हाँ नहीं असल में बच्चा तो सही है, ठीक है। अच्छा हाँ
अभी एब्सोल्यूट भी कर सकता हूँ पोजीशन में इसकी, और पोजीशन इसकी में रिलेटिव भी कर सकता हूँ। रिलेटिव करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलूँगा कि भाई अपनी जो जगह है करंट उससे कहाँ चला जाएगी, टॉप टॉप पे हो जाए माइनस 200, हाँ 200 पिक्सल, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसको क्या कर दूँगा अपनी जगह से ऊपर करवा, अच्छा माइनस मैं इसको करता हूँ 100 पिक्सल ताकि ये दरमियान में आ जाए, आधी पिक्चर ऊपर आधी पिक्चर नीचे हो जाए, सही है। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिया इसको, और मैंने कहा कि भाई जो टॉप है आपका वो क्या हो जाए माइनस 120 पिक्सल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वो ऊपर रहे, और मैं कहता हूँ कि मार्जिन ले ले वो चारों तरफ से 20 पिक्सल एटलीस्ट, सही है। तो कुछ इस तरह का हो गया, और मैंने कहा कि भाई आप बॉर्डर बना ले अपना इर्द गिर्द वो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, सही है। ऐसे ही किसने बना लिया, तो कुछ इसी तरह से बन रहा होता है हमारे पास प्रोफाइल का पेज, ठीक है। और बस सही है, प्रोफाइल बन गया, ये होम बन गया मेरा, ये प्रोफाइल बन गया। अब इसके नीचे उसी तरह से वो लिस्ट आ रही होगी जैसे आती है। अच्छा अब मैं यहाँ से जब पोस्ट करूँगा कुछ भी टेक्स्ट लिखूँगा और सबमिट करूँगा मैं, तो वो क्या सबमिट हो रहा है या सर्वर पे कुछ गड़बड़ है? प्रोडक्ट पे ही सबमिट हो रहा है अभी तक, ये क्या बकवास है यार। जब मैं सबमिट करता हूँ तो अभी भी वो प्रोडक्ट पे सबमिट कर रहा है, ये लो भाई आपको पता ही नहीं है, वो अभी ट्वीट पे पहुँच गया। रिफ्रेश और सबमिट, अब क्या हुआ, हुआ सबमिट। अच्छा इंटरसेप्टर देखो दो दो दफा आने लग गया, देख रहे हो, हाँ बस वो इसका मतलब पता है क्या है, अब जब भी मैं यहाँ से लिख के सेव का बटन दबाऊंगा ना वो एक बढ़ जाएगा, सही है। अब देखो अब तीन तीन दफा आएगा, नहीं आएगा, अरे यहाँ से जब भी मैं कुछ चेंज करूँगा सेव करूँगा तो वो एक एडिशनल, अरे भाई क्या मसला हो गया इसको, गॉट ऑल ट्वीट्स तो लिखा हुआ रहा है और ट्वीट जा भी रही है यहाँ से सही, तो उधर क्यों नहीं पहुँच रही। अच्छा ये मैं ट्वीट को पोस्ट करता हूँ तो ये कह रहा है कि ट्वीट एडेड सक्सेसफुली, ट्वीट तो एडेड हो रही है सक्सेसफुली, तो वापस क्यों नहीं आ रही है। हाँ मैप को देख लेता हूँ ज़रा, नहीं प्रोडक्ट पे नहीं, गेट पे ट्वीट्स पे ही लग रहा है, लेकिन खाली आ रही है ट्वीट्स, एक्चुअली खाली आ रही है ट्वीट्स। अच्छा ये ट्वीट्स है ना, मैं लॉगिन तो हूँ ना, हाँ लॉगिन तो मैं हूँ, तो एक सीन हो सकता है कि या तो ऐड करवाते हुए मैं ऑनर की आईडी गलत रखवा रहा हूँ, और या तो मैं गेट करवाते हुए कुछ मैंने मिस्टेक की है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं एक एक दफ़ा चल के। ट्वीट डॉट एम जे एस पे गया और पोस्ट पे मैंने क्या करा, पोस्ट पे मैंने रखवाया तो मैंने सही है ऑनर 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 बिल्कुल ठीक है, ये तो चलो सही है। न्यू नहीं रखवाते हुए न्यू यूज़ नहीं किया था। अच्छा इसका हम वो भी खोल के देख लेते हैं जो आपका सही है ना, ऑनर रिक्वायर्ड ट्रू है, जब तक ऑनर नहीं होगा सेव ही नहीं होने देगा वो। तो हम ये करते हैं कि इसका ये एनवायरनमेंट ये उठा के ना इसको ज़रा MongoDB खोल के भी देख लेते हैं। कॉम्पास खोला मैंने और मैंने कहा भाई क्या करो आप मुझे दिखाओगे इधर डेटाबेस में क्या जा रहा है, ताकि मुझे पता चले कि रखवाते हुए मैंने API तो सही लिखी है, लेकिन वो एक्चुअल में वो रख भी रहा है उस तरह से या नहीं रख रहा। यार ये तो अभी भी प्रोडक्ट्स के नाम से ही हो रहा है सिर्फ, ये क्या बकवास है।
ट्वीट स्कीमा को अभी तक मैंने यहाँ पे ट्वीट्स नहीं किया मैंने उसको अभी तक यहाँ पे। सर आपने यूजर का मॉडल चेंज किया? हाँ वेल तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अब यहाँ पे ट्वीट हो जाना चाहिए एक्चुअली इसको, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँगा। रिफ्रेश कैसे होता था ये? कंट्रोल आर लगा के हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हो जाता है। आ गया ट्वीट्स। अब यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा इधर से तो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाना चाहिए, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हाँ हो गया। अच्छा अब यहाँ शो भी हो जाना चाहिए, ऑनर भी इसका बिल्कुल सही ऐड हो रहा है। हाँ ठीक है, गेट करवाते हुए कोई मसला है? अब गेट करवाने वाली जो API है उसको देख लेते हैं। ठीक है ये हो गया, हम ट्वीट्स को कॉल करते हैं राइट, प्रोफाइल के ऊपर खड़े होकर हम ट्वीट्स को कॉल करते हैं। तो मैंने कहा ऑनर यूज़र आईडी, अच्छा इस तरह से ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन अंडरस्कोर आईडी। डिलीटेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स नहीं सेट हो रहा है अगर? हाँ डिलीटेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स नहीं सेट हो रहा अगर, तो इसका मतलब है मॉडल डॉट जे एस एक्स में मुझे इस डिलीटेड को अभी रखा हुआ था डिफ़ॉल्ट फॉल्स, मैंने डिफ़ॉल्ट ये स्पेलिंग गलत है शायद, तो फिर डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं जा रहा है इसमें यार? अच्छा नहीं डिफ़ॉल्ट मतलब नहीं जा रहा ना, इस डिलीटेड डिफ़ॉल्ट नहीं जा रहा। अच्छा टाइप की जगह टाइप ऑफ लग गया है यहाँ, सही है, टाइप की स्पेलिंग गलत थी इस वजह से ये उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टाइप क्या है। अब जब मैं इसमें ट्वीट ऐड करूँगा तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में उसको बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स, सही है, इस डिलीटेड फॉल्स आने लग गया अभी यार। अब ये भी सही चल जाना चाहिए, रिफ़्रेश किया मैंने फ़ौरन नीचे मेरे पास ट्वीट जो थी वो शो हो गई है। अच्छा क्योंकि मैप में लेकिन क्या हुआ हुआ है, टेक्स्ट को उसने डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ, तो इस वजह से क्या हो रहा है वो सिर्फ आईडी डिस्प्ले हो रही है, टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सही है। तो अब मैं आके क्या कर देता हूँ, इसका मैप थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका मैप मैं कैसे चेंज करूँगा, प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स में जाऊँगा और यहाँ पर जिधर मैप चलता है, फॉर्म तक तो मैंने चेंज किया था, मैप में नहीं किया था, तो मैं बोलूँगा कि भाई ईच ईच ट्वीट बोलूँगा इसको मैं, सही है। अब ईच ट्वीट में नेम नहीं है, अच्छा चलो मैं तुम लोगों को पॉपुलेशन भी बढ़ा देता हूँ, सही है पॉपुलेशन। ये नेम में जाहिर है मुझे बंदे का नाम चाहिए ना, नेम में मुझे क्या चाहिए, बंदे का नाम चाहिए। नहीं अभी असल में सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन नहीं होती ना बात समझ नहीं आती, मसला ही ये अभी सिचुएशन बन गई ऐसी कि बात समझ आ जाएगी। आईडी मुझे नहीं दिखानी, ठीक है, प्राइस की जगह टेक्स्ट होगा एक्चुअली, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, बटन्स होंगे तो टेक्स्ट होगा एक, और साथ में बंदे का नाम होगा, नाम एच टू में दिखेगा। अब ये नाम मैं कहाँ से लाऊँगा, नाम मैं ऐसे लाऊँगा यहाँ से कि आ जाते हैं वापस मॉडल के अंदर, स्कीमा के अंदर आ जाते हैं। देखो यहाँ जो ऑनर लगा हुआ है ना, इसमें मैंने जस्ट अभी लगाई है टाइप और ऑब्जेक्ट आईडी लगाई है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ये रेफ इसका जो है ना वो क्या है, रेफ इसका यूज़र्स है। अच्छा यूज़र्स जो है ना वो एग्जैक्टली ये स्पेलिंग होनी चाहिए जो यहाँ लिखी हुई है, सही है, ये मैंने यूज़र्स बता दिया इसको, और रिक्वायर्ड तो चलो ठीक है ट्रू है। मैंने कहा ये यूज़र है, ये असल में ये जो ट्वीट होगी ना उसके अंदर ऑनर करके जो एक आईडी डली हुई है वो असल में क्या है, यूज़र्स जितने भी हैं ना उनमें से एक आईडी है वो। अच्छा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ट्वीट का जब गेट करूँगा ना, ट्वीट आ जाते हैं ट्वीट गेट करने वाले पे, ये जो ट्वीट्स करके मैं गेट कर रहा हूँ ना, ये डॉट फाइंड करके मैंने लगाया है, ठीक है, इसको मुझे वो भी करना पड़ेगा, वो डॉट एग्जिट वाला करना पड़ेगा मुझे इसको, है ना, अभी ये इस तरह से नहीं होगा, इसको ना डॉट करके मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉपुलेशन
इसको पहले मुझे इस वाले को ना थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस में मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि पॉपुलेशन ऑप्शंस में, हाँ पॉपुलेट है तो सही, ठीक है पॉपुलेट करके मैं क्या बता दूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि ये जो, वापस जाता हूँ मॉडल पे, मैं बोलूंगा ये जो ऑनर है ना इसकी आपने आईडी नहीं लानी है, उस आईडी की जगह पूरा पूरा वो लाना है यूज़र, सही है। तो मैं बोलूंगा कि पॉपुलेट करो इस ऑनर को, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा ऑनर को आप क्या कर दो पॉपुलेट कर दो, सही है। पॉपुलेट का मतलब क्या है, अच्छा पहले मुझे क्या मिलता था ट्वीट में, ट्वीट एक एरे होती थी रिस्पांस में, और हर एरे के हर इंडेक्स में एक टेक्स्ट होता था और साथ में क्रिएटेड ऑन वगैरह इस तरह होता था, ऑनर की एक आईडी होती थी सीधी सीधी। अब क्या होगा कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन ऑनर के ऑनर के साथ जो आईडी होती थी ना वो आईडी हट जाएगी और उसकी जगह पे वो यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सही है। तो मैंने कहा पॉपुलेट और ऑनर को पॉपुलेट कर दो। तो अब जब मुझे फ्रंट एंड पे इसका ये पॉपुलेशन बाय द वे होगी यहीं तक थी, सही है पॉपुलेशन जो है वो यहीं तक थी। इसको सीक्वल डेटा के अंदर जो सीक्वल डेटाबेस होते हैं उसमें इसका एक अच्छा नाम होता है कनेक्शंस, सही है उसमें इसको हम कनेक्शंस कहते हैं, यही नाम होता है ना, है किसी ने पढ़ा सीक्वल यहाँ पे पहले से, तो वेल शायद उसमें कनेक्शंस कहते हैं इसको, हाँ कनेक्शन ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, रिलेशंस, यस यस एग्जैक्टली रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो वो डी नॉर्मलाइजेशन उसमें नॉर्मलाइज फॉर्म वन नॉर्मलाइज फॉर्म टू करते हैं, तो उसमें रिलेशन होता है कि भाई ये स्टूडेंट है ये स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स इस तरह, लेकिन इसके अंदर जो ये इसका नाम पॉपुलेशन है और ये उस वाले रिलेशन से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। और मोंगोडीबी के अंदर हम कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं यार, मोंगोडीबी के अंदर ना हम इसका अपोजिट करते हैं, उसको हम कहते हैं डी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये वाला काम जो अभी हमने किया है ना कि एक टेबल से उठा के दूसरी टेबल से डेटा ला रहे हैं, आमतौर पे हम ये नाम क्या करते हैं इस पोस्ट के साथ ही सेव करा देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं नाम को, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं, ये डी नॉर्मलाइजेशन का पूरा एक टॉपिक है, मोंगोडीबी में डी नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं, मौका मिला तो डिस्कस करूँगा मैं, लेकिन अभी शायद हमें इस डिटेल में नहीं जाना चाहिए। वापस आता हूँ मैं फ्रंट एंड के ऊपर, और अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरे पास जो आएगी ना ऑल पोस्ट जो आएंगे मेरे पास, ये डेटा आया मेरे पास, और अब आप देख रहे हैं ऑनर के ऑनर का जो आईडी हुआ करती थी ना, अब उसकी जगह पूरा आपका पूरा ऑनर आ रहा है, इवन दो के पासवर्ड भी उसका उठ के आ जाता है। अब ये पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पासवर्ड को मैं कैसे रिमूव करूँगा, प्रोजेक्शन से रिमूव करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ज़रा मोंगोस के पॉपुलेशन में जाके देख लेते हैं कि उन्होंने पॉपुलेट करते हुए प्रोजेक्शन कैसे बताई है, ठीक है। पॉपुलेट करते हुए इन्होंने प्रोजेक्शन कैसे बताई है वो ज़रा हम यहाँ एक नज़र मार लेते हैं। अच्छा ये तो सिंपल पॉपुलेट किया इसने कि भाई ऑथर को पॉपुलेट कर दो आप, ठीक है। ये फाइंड वन पे डॉट लगा के भी पॉपुलेट कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। सेटिंग पॉपुलेटेड फील्ड्स, अच्छा डीपॉपुलेट भी कर सकते हैं राइट, कि कोई चीज़ अगर पॉपुलेट हुई भी है उसको हम डीपॉपुलेट भी बाद में कर सकते हैं कि नहीं यार ये मत लाना। अच्छा स्टोरी डॉट पॉपुलेटेड स्टोरी डॉट ऑथर डॉट आई डी इज ऑब्जेक्ट आई डी, इसमें इन्होंने वो कहाँ पे बताया प्रोजेक्शन इसकी, अच्छा दो फील्ड्स को एक साथ भी हम पॉपुलेट कर सकते हैं कि भाई ऑथर भी ले आओ और मिसाल के तौर पे अगर पोस्ट के अंदर लाइक्स है ना, जो उन लाइक्स वो पूरा एरे होगा ना लाइक्स, हम कहेंगे यार पूरे एरे के अंदर जितने भी आईडी लिखी हुई है ना सबको एक्चुअल यूज़र से रिप्लेस मारो, तो वो पूरा मुझे एक्चुअल यूज़र बन के मिलेगा। हाँ ये सेलेक्ट आ गया ना, ठीक है। अब मुझे अगर पॉपुलेट ऐसे करके करना है तो मैं ऐसे करके करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई पाथ आपका जो है पाथ के अंदर मैं वो बात बताऊँगा कि कहाँ से उठा के लाना है, और सेलेक्ट बोलूँगा मैं कि नेम, तो वो सिर्फ नेम लेकर आएगा कुछ और नहीं लाएगा, ठीक है। अब मुझे पॉपुलेट में बाकायदा पूरा क्या देना पड़ेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा,
ठीक है। अब पॉपुलेट में मुझे जस्ट ऑनर से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरा ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा और मैं बोलूँगा कि पाथ इसका जो है वो ऑनर होगा और ये मैच नहीं चाहिए मुझे, और मैं कहूँगा कि उसका नेम जस्ट लेकर आओ और अंडर स्कोर आई डी भी चलो ले आओ। नहीं, ये तो माइनस लगा हुआ है ना, मैंने कहा नेम ले आओ, अंडर स्कोर आई डी ले आओ। क्या था नेम, था भी उसमें कि नहीं था? हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल था, तीन चीज़ें थी, तीन चीज़ें मुझे चाहिए उसमें से। सही है, मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले आओ और वो ले आओ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ले आओ, बस आईडी भी नहीं चाहिए मुझे। तो अब मैं देखूंगा कि ये प्रोजेक्शन क्योंकि मैंने लगा दी कि भाई यही यही आइटम लेकर आना और कुछ मत लाना, तो वो यही वाले लेकर आएगा और कुछ नहीं लाएगा। अच्छा, पॉपुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी ज़रा सा ना कोशिश करना कि प्रैक्टिस अगर कर लो तो बेहतर है। ठीक है, अब देखो ऑनर के अंदर क्या आया मेरे पास, यही तीन चार चीज़ें आई हैं और कुछ भी नहीं आया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो जाहिर है ये मेरे पास जो API कॉल आती है वो profile.jsx में, अब मुझे मैप में eachTweet.honor.name भी मिला करेगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ना eachTweet.honor.name दो। अच्छा, इसमें मैं नलिश ऑपरेटर लगाऊँगा क्योंकि मे बी अगर वो मुझे ऑनर की आईडी के अगेंस्ट कोई यूज़र नहीं मिला जस्ट इन केस, तो वो नल आएगा, फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए नलिश ऑपरेटर मैं लाजमी लगाऊंगा, क्योंकि डेटाबेस से या API से जो भी वैल्यूज आती हैं उस पर मैं नलिश ऑपरेटर लाजमी लगाता हूँ। अरे क्या बकवास है, मैंने गलत, अच्छा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, सिर्फ नेम थोड़ी है। सही है, फर्स्ट नेम है और इसी तरह इसके साथ लास्ट नेम है। सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों में ये पूरा इंजमाम मलिक लिखा हुआ है, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से शो हो रहा है। ठीक है, इसके साथ में शुरू में छोटी सी मुझे प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए, लेकिन मेरे यूज़र के ऑब्जेक्ट में इस वक्त प्रोफाइल पिक्चर मौजूद ही नहीं है। तो अगर वो मौजूद होगी तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं पॉपुलेट करते हुए बोलूँगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और प्रोफाइल पिक्चर लाओ, और प्रोफाइल पिक्चर मैं यहाँ दिखा दूँगा। ठीक है, और यही काम डीप पॉपुलेशन के जरिए भी, डी नॉर्मलाइजेशन के जरिए भी ये काम किया जाता है। ठीक है, कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर डुप्लीकेट करता चला जाता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे पास पोस्ट बनती है मैं प्रोफाइल पिक्चर उसमें डुप्लीकेट करता हूँ। अच्छा, ये जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ डी नॉर्मलाइजेशन का, इसको भी अच्छे से समझ लो कि ये क्या बात है, क्योंकि शायद ज़रूरी है इस पॉइंट पे ये बात समझ आ जानी चाहिए। देखो, अभी मैंने क्या काम किया, अभी मैंने किया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक आप डेटाबेस से एक डेटा उठाते हो और उस डेटा के अंदर कुछ आईडीज़ होती हैं, आप बोलते हो इस फील्ड को पॉपुलेट कर लो, तो वो आईडी गायब हो जाती है, उसकी जगह एक्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, वो मॉडल में आपको पहले से बताना होता है कि भाई ये आईडी किस कलेक्शन में ढूंढनी है, तो जाहिर है फिर उसको उधर ही जाकर ढूंढता है वो, तो वो पहले से सेटिंग है, छोटी सी सेटिंग है, रेफ लगाना पड़ता है कि रेफरेंस ये यूज़र आईडी तो है, मतलब अंडरस्कोर आईडी तो है, लेकिन रेफरेंस क्या है, तो फलां कलेक्शन के अंदर ये रेफरेंस है, तो वो उठा के लेकर आ जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ से मैं क्वेरी करता हूँ और तमाम ट्वीट्स को उठाता हूँ, मिसाल के तौर पे 200 ट्वीट्स उठकर आई मेरी प्रोफाइल के लिए, या रैंडमली फीड में उठा रहा हूँ कहीं भी, तो 200 ट्वीट जो उठकर आई है ना, हर ट्वीट का एक ऑनर है, तो वो 200 दफ़ा एक दूसरी कलेक्शन में भी जाएगा और वहाँ से वो ऑनर को भी ढूंढ के लाएगा। तो क्वेरी मेरी क्या हो रही है, एक क्वेरी लग रही है लेकिन उसके अगेंस्ट पीछे 200 क्वेरीज परफॉर्म हो रही हैं, समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है, मेरा डेटाबेस समटाइम स्लो डाउन होता है। अच्छा, स्लो डाउन इतने में नहीं होगा, इतने में नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में इससे कहीं ज़्यादा ये कहानी पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पे मेरे ट्वीट के अंदर इस वक्त एक ऑनर है, अब उसके साथ लाइक्स भी होंगे, अब लाइक्स तो भाई 1 मिलियन लोगों ने लाइक्स कर दिए उसको, तो एक एरे होगी, 1 मिलियन की एरे होगी, उसमें लाइन से 1 मिलियन अंडर स्कोर आईडी होगी। अब मैं अगर बोलता हूँ कि पॉपुलेट मारो, एक तो मुझे काउंटिंग अगर दिखानी है ना, तो जस्ट फिर तो ठीक है, अगर मुझे जस्ट काउंटिंग दिखानी है तो मैं कहूँगा पॉपुलेट मारने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ले आओ। लेकिन लाइक पे जब आप हाथ रखते हैं तो लोगों के नाम लिखे जा रहे होते हैं, तो जस्ट काउंटिंग से काम नहीं चलेगा, तो मुझे फिर उनको पॉपुलेट करना पड़ेगा, जस्ट नेम एटलीस्ट मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो जब मैं इस ट्वीट को गेट करूँगा ना, तो पीछे
क्योंकि वो 2 मिलियन लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है, तो 2 मिलियन क्वेरी चलेगी पीछे, दूसरे कलेक्शन से जा जाके वो ढूंढ ढूंढ के उठा उठा के लाएगा। फिर साथ में कमेंट्स भी होंगे उसी ट्वीट के, कुछ कमेंट्स भी होंगे। अब कमेंट क्या होगा, वो भी एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हर इंडेक्स में उसके एक टेक्स्ट होगा और साथ में एक उसका ऑनर होगा, किसने किसने किया ये कमेंट, वो भी अंडरस्कोर आईडी होगी। तो अगर 200 लोगों ने कमेंट कर दिया या 200,000 लोगों ने कमेंट कर दिया किसी ट्वीट के ऊपर, तो अब जब मैं इस ट्वीट को ऐड करूंगा तो वो 200,000 क्वेरी दूसरे कलेक्शन में लगेगी, दूसरे कलेक्शन से वो उठा उठा के लाएगा। बावजूद इसके कि MongoDB बहुत फास्ट है और इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, लेकिन स्टिल हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो डेटाबेस है हमारा, एक तो हमारा सर्वर है साइक्लिक, लेकिन जहाँ पे डेटाबेस एक्चुअल में सेव हो रहा है ना जाके, जो एम लैब है, जो MongoDB एटलस जो है, जहाँ पे हमने भी डेटा अपना बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आपको 512 MB की रैम दी जाती है और शेयर्ड प्रोसेसिंग पावर दी जाती है। तो अगर मैंने यहाँ से कोई ऐसी क्वेरी भेज दी ना, जो ज़ाहिर है ये काम जो हो रहा होता है कि भाई ये पॉपुलेट करो, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो MongoDB एटलस में भी एक छोटा सा सर्वर चल रहा है चुनना मुन्ना सा, वहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाती है आपकी, वहाँ पे वो सर्वर डिसाइड करता है कि अच्छा उस कलेक्शन से ये लाओ, इस कलेक्शन से ये लाओ, इस कलेक्शन से ये लाओ, और जोड़ जाड़ के आपको वो फिर मिलता है, समझ रहे हो। तो वो जोड़ के जो देने का प्रोसेस है ना, उसमें प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल होती है, और जब तक वो कलेक्ट कर करके ला रहा होता है और जमा कर रहा होता है, उस वक्त वो रैम में उसको स्टोर कर रहा होता है। तो 512 MB की रैम में आप जो डेटा उठा उठा के ला रहे हो ना, तो वो 512 MB से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अब आप कहोगे यार एक क्वेरी में मैंने 512 MB का डेटा मंगवाया भी नहीं है, लेकिन मसला ये है सिर्फ आप नहीं कर रहे हो ना क्वेरी, और हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं एक ही साथ। तो अगर आपका जो कलेक्ट हुआ डेटा अगर वो 1 MB भी हो गया ना, तो इसका मतलब है 512 लोगों ने अगर एक साथ रिक्वेस्ट की, तो आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा, डेटाबेस क्रैश कर जाएगा, सर्वर नहीं। समझ आई ये बात? तो हमारे पास जो सर्वर होता है ना और जो डेटाबेस होता है, उसमें एक एक बिट अहमियत रखता है। अगर मैंने अपनी प्रोसेसिंग के अंदर एक बिट भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जितनी रिक्वेस्ट आएगी उतने बिट एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। तो अब फेसबुक वाले लेवल पे ना जाके ये इशू बहुत बड़ा इशू है। फेसबुक ने वैसे ग्राफ डेटाबेस बनाया हुआ है, अच्छा ग्राफ डेटाबेस भी बैकएंड पे MongoDB वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है। MongoDB क्या करता है, जो डेटा को बाइनरी जेसन में सेव करता है, और ग्राफ डेटाबेस भी पीछे यही करता है। लेकिन ग्राफ डेटाबेस में क्या होता है, इन मेमोरी बहुत सारा कुछ काम हो रहा होता है। तो एक्चुअली फेसबुक सही मानों में देखा जाए तो MongoDB ही इस्तेमाल कर रहा है सही मानों में, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रेटजी है, क्वेरी वगैरह करने की जो स्ट्रेटजी है वो यही है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें इन मेमोरी कर लेता है जो ग्राफ डेटाबेस होता है। रिलेशन वगैरह उसमें थोड़े से डिफरेंट तरीके से होते हैं इससे, लेकिन हम अभी एज्यूम करते हैं कि नहीं, हम MongoDB ही इस्तेमाल कर, हम ग्राफ डेटाबेस नहीं कर रहे। तो इस मसले को हम कैसे ओवरकम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई है ना कि वो आईडी को रिप्लेस करके एक्चुअल डेटा ले आता है, ये SQL के अंदर यानी SQL जो है, जब वो आया था पहली दफ़ा, तो ये वो फीचर है जो वो अपने साथ लाया था, और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था ये फीचर होना कि आईडी है वो रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह एक्चुअल डेटा आ जाएगा। दिस वॉज अ रेवोल्यूशन, ठीक है। आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे और SQL डेटाबेस के जो आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज़ को एक बहुत बड़ा, उस ज़माने का एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता था, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस किसने बनाया था पता है आपको, एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर EF कोड नाम था उनका, उन्होंने बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया था, ठीक है। दुनिया भर में सबसे पहला जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, ठीक है, इसको रिलेशनल डेटाबेस का नाम दिया गया था। इससे पहले कन्वेंशनल डेटाबेस होते थे, उसका कोई खास नाम नहीं था, लेकिन इसको रिलेशनल डेटाबेस, जिसको RDBMS करके बोला जाता था, ठीक है। RDBMS आपने बुक्स में पढ़ा होगा अपने स्कूल वगैरह में कि भाई RDBMS था एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था उस ज़माने के हिसाब से क्यों था, क्योंकि उस ज़माने में स्टोरेज मीडियम बहुत महंगा हुआ करता था, तो स्टोरेज हमें बचानी पड़ती थी, कम से कम स्टोरेज को इस्तेमाल करना पड़ता था। अच्छा, प्रोसेसिंग पावर भी महंगी थी, लेकिन एज कंपैरिजन स्टोरेज मीडियम ज़्यादा महंगा था। अच्छा, अब सिचुएशन हो गई है चेंज, अब हमारे पास स्टोरेज मीडियम बहुत सस्ता हो चुका है, ठीक है, और प्रोसेसिंग पावर महंगी हो गई है, अपोजिट हो गया है। प्रोसेसिंग पावर महंगी इस वजह से हो गई है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है,
ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी का बहरान एक पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे है एनर्जी का बहरान। बावजूद इसके क्या लोगों ने अपने पास सोलर वगैरह पे कन्वर्ट हो गए ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, वो खुद अपनी बिजली बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद तो एक तो कंस्ट्रेंट ये है कि एनर्जी जो है वो ज़्यादा महंगी हो गई है। तो एनर्जी हमारे पास कंप्यूटर साइंस में हमेशा चॉइस होती है कि हम या तो टाइम बचा सकते हैं या तो स्पेस बचा सकते हैं। तो जब रिलेशनल डेटाबेस आया था तो उस वक्त इन्होंने बोला हमें स्पेस बचानी है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई मसला नहीं, यानी क्योंकि ढूंढ ढूंढ के लाने में टाइम लगता है ना। तो इसी वजह से सीक्वल डेटाबेस में जब क्वेरी चलती थी ना वो स्लो होती थी एज़ कम्पेयर टू MongoDB या अभी वाले जो है उसके मुकाबले में स्लो होती थी, क्योंकि उन्होंने अंदर जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी वो इस हिसाब से बनाई हुई थी कि डेटाबेस छोटा हो। ठीक है, उस वक्त फ्लॉपी होती थी, KBs में MBs में स्टोरेज होती थी, तो उस ज़माने की बात है। तो वो कहते थे अच्छा डेटाबेस छोटा हो ताकि हम फ्लॉपी में उसका बैकअप लेके उसको स्टोर कर लें अपने पास। ठीक है, हर महीने का जो भी डेटा बनेगा उसको हम स्टोर करके साइड पे कर दें। तो उस ज़माने की ये ज़रूरत थी कि स्टोरेज जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। अच्छा, जब हम स्टोरेज को बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमेशा से रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर और ये हमेशा रहेगा एक्चुअली, जब तक हमारा कंप्यूटिंग पूरा आवे का आवा ही चेंज ना हो जाए जब तक तो ये रहेगा। अच्छा, अगर हमने प्रोसेसिंग पावर को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टोरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें स्टोरेज फिर ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक कि दो वेरिएबल है ना अगर आपके पास, मैं यहाँ पे इसी के नीचे मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 5 कॉमा लेट बी इक्वल्स टू 8। अच्छा, तो इन दो वेरिएबल्स को अगर मुझे सम करना है, प्लस करना है मुझे, तो मैं ये काम कैसे करूँगा? मैं कहूँगा लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अच्छा, तो ये आप आज के दौर के हिसाब से बता रहे हैं, तो क्योंकि आज के दौर में मुझे ये जो तीसरा वेरिएबल बना है ना, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक टाइम था जब ये तीसरा वेरिएबल बनाना वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेमोरी में एक वेरिएबल की जगह ले लेगा एक्स्ट्रा, और एक यानी 64 बिट का होता है ना जावास्क्रिप्ट का नंबर, तो 64 बिट एक्स्ट्रा ले लेगा ये वेरिएबल। अच्छा, तो एक तो हमारे पास ये इशू नहीं है क्योंकि हम फ्रंट एंड पे सारा का सारा कोड फ्रंट एंड पे ही चल रहा होता है, मेरे कंप्यूटर में चलेगा फ्रंट एंड का, तो एक तो इसलिए भी नहीं है। दूसरा ये कि हमारे पास अब रैम वगैरह इतनी ज़्यादा तादाद में है कि वो इतना इशू नहीं है, रैम का इशू अब नहीं रहा है। ठीक है, आमतौर पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनीज है वो एज्यूम करती है कि भाई 4 GB या 8 GB रैम होगा बंदे के पास। ठीक है, वो लिख भी देता है रिक्वायरमेंट, यार इतनी रैम चाहिए, दैट से बोलते हैं इतनी होगी तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। जो अभी जो प्रो कंप्यूटर्स हैं उसमें आमतौर पे मिनिमम जो है 64 GB रैम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, ये एप्पल का जो आता है वो मैक प्रो के नाम से आता है, तो उसमें 64 GB से कम वाली मशीन है ही नहीं उनकी, 64 GB से शुरू है और वो पता नहीं आगे तक जाती है, पता नहीं 1 TB तक, पता नहीं कितने तक जाती है रैम उसकी। ठीक है, तो रैम का इशू अब नहीं रहा, ये मैं पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, और इतना ही लोग यूज़ करते हैं खासतौर पर जो ग्राफिक्स वाले हैं सारे, जो वीडियो एडिटिंग वाले, वो आमतौर पर मतलब प्रो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अच्छी खासी रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने अभी के हिसाब से बता दिया कि भाई लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस काम को करने का एक दूसरा तरीका है जिसमें मुझे ये तीसरा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ वाहियात किस्म के इंटरव्यूअर्स हैं ना, वो ये सवाल अभी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये क्या है, और ऑब्वियसली ये बंदे को पता भी होना चाहिए, हिस्ट्री थोड़ी सी तो आइडिया होना चाहिए ना हिस्ट्री का कि क्या हुआ था पीछे। इसको करने का एक और तरीका और भी है जो अब रेलेवेंट नहीं है लेकिन उस ज़माने में रेलेवेंट था। उसमें क्या होता था, अच्छा इसमें मेरी कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं लगी थी, इमेजिन कर रहे हो, इसमें कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं लगी थी क्योंकि जब असाइनमेंट होती है ना तो प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल उस वक्त होती है। अब देखो करते क्या है, मैंने कहा ए इक्वल्स टू बी माइनस ए। अच्छा, इसको मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि हिसाब लगाने में आसानी हो, 2 और 3 कर देता हूँ मैं इसको, सही है, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो, आपको समझ आ जाए। और मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सॉरी ए माइनस बी। ये स्वैप हो गया आपस में दोनों वेरिएबल, अब अगर मैंने गलत तो नहीं किया कहीं, बी में क्या था, बी में 2 था और ये 3 था, तो 2 - 3 क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, सही है।
और इसमें क्या हो गया, ए में क्या पहुंच चुका था, माइनस वन, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू कितना हुआ, वन। ये मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, ये मैंने कुछ गड़बड़ की है। नहीं, पहले तो इन दोनों को प्लस करना था, शायद ए प्लस बी करना था। सही है, तो ए प्लस बी हो गया फाइव। अभी मैं भी भूल गया हूँ क्योंकि बहुत ज़माने पहले की बात है। तो ये फाइव हो गया। अच्छा, अब मुझे बी को सेपरेट करना है पहले, तो मैं कहूँगा कि बी इक्वल टू ए माइनस बी। सही है, ए में इस वक्त फाइव था और बी में क्या था, टू था। तो फाइव माइनस टू थ्री हो गया। ठीक है, थ्री हो गया। अब मैं कहूँगा कि ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। नहीं, ये मैं स्वैप करना बता रहा हूँ, ये तीन स्टेप्स में देखो स्वैप कर रहे हैं ना, इसको तीन दफ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस माइनस कर रहे हैं। ये प्लस करने में भी कंप्यूटिंग पावर जाती है, लेकिन तीसरा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, आप ये नोट कीजिएगा। अब ए में क्या चला गया, बी में थ्री था और ए में अभी भी फाइव है, तो मैं बोलूँगा कि ए माइनस बी टू आ गया ना। बस सही है, हो तो गया। तो ए में पहले थ्री था तो अब बी में थ्री आ चुका है और ए में टू आ चुका है, तो ये स्वैप हो गया वेरिएबल, हो गया ना, हो गया ना सब। प्लस ये देखो, ए में थ्री था, ये थ्री मुझे बी में लेके जाना था और बी में जो वैल्यू थी वो मुझे ए में लेकर आनी थी, स्वैप करना था एक्चुअली मुझे। नहीं, मैं गलत बोल गया था शायद, ये इसकी वैल्यू को स्वैप करना था एक्चुअली, प्लस मैं गलत बोल गया था। ठीक है, तो अच्छा, इसमें प्लस भी कर सकते हैं बगैर तीसरा वेरिएबल बनाए, अब मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस हो गया, ये फाइव हो गया ना, ए के अंदर ए प्लस बी किया मैंने तो फाइव हो गया। ये मतलब मैं पहले गलत बोल गया था, प्लस के लिए तो वैसे भी तीसरा वेरिएबल नहीं चाहिए ना यार, प्लस के लिए क्यों चाहिए तीसरा वेरिएबल। ये असल में स्वैप था। ठीक है, वो क्वेश्चन असल में ये था कि स्वैप कैसे होगा, ये तीसरा वेरिएबल बनाए बगैर स्वैप कैसे होगा। तो अगर नॉर्मल केसेस में आप करते तो आप बोलते कि यार लेट टेम्प, एक टेम्प बना लेते आप, उसके अंदर ए को रखवा देते, यही करते ना आप, और ए को आपने अलग कर लिया तो पहले बी को स्विच मारते फिर टेम्प को वापस ले आते, तो तीसरा वेरिएबल आपको बनाना पड़ता है। तो ये वाला हमने काम जो किया ना, हमने कंप्यूटिंग पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने कहा यार वेरिएबल ना बनाना पड़े, स्टोरेज को बचा लो। तो एक वक्त में या तो हम स्टोरेज को बचा सकते हैं या तो हम प्रोसेसिंग पावर को, अच्छा प्रोसेसिंग पावर या टाइम इक्वल हो चुका है ये, सही है। प्रोसेसिंग पावर मतलब प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है और क्या कहते हैं बिजली लगती है, लेकिन टाइम असल बात टाइम है, तो टाइम और स्पेस का गेम है ये। ठीक है, तो अभी करंट जो दौर चल रहा है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेस पे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये बात एस्टेब्लिश है पिछले तकरीबन 10 सालों से कि हमने स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, और शायद आने वाले 10 सालों तक भी ये बात एस्टेब्लिश रहेगी, क्योंकि स्टोरेज मीडियम बहुत सस्ता है और प्रोसेसिंग पावर में टाइम लगता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है, हर किसी को फास्ट कंप्यूटिंग चाहिए। तो ये जो डिमांड है ना, मार्केट की डिमांड है कि भाई क्लिक पे मैं वेट ना करूँ, क्लिक करते ही मेरे पास डेटा है फौरन। तो ये टाइम जो है ये किसी के पास भी नहीं है कि वो टाइम एक्स्ट्रा लगाए, तो एक तरह से मजबूरी भी है। हाँ, टाइम इज़ मनी दीज डेज, तो अगर टाइम आप लगवा रहे हैं ना किसी का, तो एक्चुअली में आप उसका टाइम अगर किसी का ज़ाया कर रहे हैं तो आप उसके पैसे ज़ाया कर रहे हैं। सही है, तो मैं अगर फेसबुक खोलता हूँ और मुझे फ़ौरन पोस्ट नहीं दिखती, उसमें मुझे 2 सेकंड वेट करना पड़ता है, तो अगर एक बंदे को 2 सेकंड एक्स्ट्रा वेट करना पड़ रहा है तो 2 मिलियन यूज़र हैं उनके, 2 बिलियन यूज़र हैं बकौल उनके खुद के, तो 2 बिलियन यानी 4 बिलियन सेकंड आपने ज़ाया कर दिए। अगर आपने एक बंदे के 2 सेकंड ज़ाया किए तो 4 बिलियन सेकंड आपने ज़ाया कर दिए, महीनों में बनेगा ये। तो रोज़ आप महीनों के बराबर जो वक्त है वो आप ज़ाया करवा देते हैं किसी बंदे का, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो अभी ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, राइट, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ कमेंट करके, ताकि कभी आपको बाद में देखना पड़े तो ये ज़रा पड़ा। तो ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हमने स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमने टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, टाइम जिस हद तक हो सके हम बचाएंगे। अच्छा, तो ये पॉपुलेशन वाली जो टेक्निक है ना, ये कब आई थी, ये रिलेशनल डेटाबेस के साथ आई थी, और उसमें ज़ाहिर है अब एक डेटाबेस में एक फ़ीचर आ चुका है, तो अभी आने वाले नए डेटाबेस उस फीचर को ख़त्म नहीं करते, उसको रखते हैं एज अ लेगेसी। तो ये पॉपुलेशन जो है ये काइंड ऑफ लेगेसी है। ठीक है, अच्छा, इसका जो जदीद तरीका है, जो
सब लोग तो नहीं यूज़ करते, लेकिन जहाँ पे हमारे पास टाइम का इशू होता है, जिस जो जिस बंदे को लगता है नहीं यार टाइम बचाना है, तो वो फिर वो वाला तरीका यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली हम करते क्या हैं, इसमें मॉडल पे आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे जो मैंने रखवाया हुआ है ना ये कि भाई ऑनर इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडी और ऐसे करके होगा, फिर ये इस तरह से नहीं होगा। हम बोलेंगे कि भाई ऑनर जो होगा ना, हम बोलेंगे ऑनर नेम, दैट्स इट, और हम कहेंगे कि भाई स्ट्रिंग, हमें नाम रखवाना है ना इधर, बस हम नाम इधर रखवाएंगे, बस ये नाम डुप्लीकेट होगा। अब ये मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अगर वो 10,000 पोस्ट करता है तो 10,000 दफ़ा ये नाम उसका तमाम पोस्ट में मैं अलग से सेव करवाऊँगा। अच्छा, ऐसा करने की वजह से बेनिफिट क्या होता है मुझे कि अब जब मैं ट्वीट को गेट करता हूँ या पोस्ट को गेट करता हूँ तो नाम उसकी के अंदर मौजूद है, मुझे किसी दूसरे कलेक्शन में जाकर ढूंढ ढांड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा बच जाती है और टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि जब वो इधर उधर ढूंढ नहीं रहा तो फ़ौरन डेटा आएगा, रिजल्ट आएगा, और मैंने नाम को डिस्प्ले करवा देना है। इसी तरीके से जो इमेज है, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो, वो भी मैंने क्या करवा देना है, एक ज़ाहिर है URL होगा कोई ना कोई, वो इधर मैंने रखवा देना है, और इधर रखवा के मैंने जब वो गेट होगी तो साथ साथ आएगा और मैंने प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले करवा दी। तो अब ये वाली जो दो चीज़ है ना, ये जितनी भी मेरी पोस्ट होगी, ये इस बंदे ने अगर 2000 पोस्ट किए तो ये 2000 दफ़ा रिपीट होगी, ये चीज़ प्रोफाइल में भी है, वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, प्रोफाइल में है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे भी रिपीट होगा ये 2000 दफ़ा। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, फेसबुक वगैरह ट्विटर सब लोग इसी को इसी तरह से कर रहे हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्टोरेज जो है वो एक्स्ट्रा लग रही है, टाइम बच रहा है। प्रॉब्लम इसमें अब ये आ जाएगा कि कभी अगर बंदे ने अपना यूज़र जो नेम है वो चेंज कर दिया अगर, तो क्या होगा, तो मुझे करना ये होगा कि जितनी भी उसकी पोस्ट है ना, 2000 पोस्ट हैं, मैं उन तमाम पोस्ट पे जाऊंगा और एक एक करके मैं उसका नाम चेंज करूंगा, तो कहानी तो वहीं आ गई घूम के। पहले मुझे ट्वीट को गेट करते हुए सब कलेक्शंस में देखना पड़ता था, अब ये होता है कि नाम चेंज करना एक अजाब है, नाम चेंज करना क्या है, एक अजाब है, क्योंकि नाम अगर मैंने चेंज किया तो ना सिर्फ मेरी खुद की ट्वीट्स में ये अपडेट होगा, बल्कि जिस जिस ट्वीट पे मैंने कमेंट किया हुआ था अरे वहाँ भी मेरा नाम, फिर अगर इस तरह टेक्निक से चल रहे हैं तो फिर लाइक्स में भी क्या होगा, लाइक्स में फिर ये वाला एरिया थोड़ी ना होगा, ठीक है। या हाइब्रिड अप्रोच भी कर सकते हैं कि कुछ में ऐसे कर दें कुछ में वैसे कर दें, लेकिन असल मसला तो लाइक और कमेंट में ही था, इसमें तो मसला था भी नहीं, क्योंकि अगर 2 मिलियन लाइक है किसी पर तो 2 मिलियन यूज़र गेट करने पड़ते थे मुझे, मसला तो मेन वहाँ था, तो मैं वहाँ पर भी यही अप्रोच करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने नाम चेंज किया तो ना सिर्फ मेरी 2000 पोस्ट बल्कि 2-4 हज़ार वो पोस्ट भी जिसको मैंने वक्तन फवक्तन लाइक किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी थ्रू आउट द टाइम जब से मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, जब से जहाँ जहाँ मैंने कमेंट किया है, जहाँ जहाँ लाइक किया है, उन तमाम जगहों पे जाकर मेरे नाम को चेंज करना होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, तमाम कंपनीज ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया है, रीजंस हैं उसके। अच्छा, पहली बात तो ये, हम नाम बंदा जो चेंज करता है ना वो डेली नहीं करता, अच्छा डेली करने भी नहीं देंगे, हम उसको रोक देंगे। फेसबुक बोलता है 90 डे में एक दफ़ा, बस फेसबुक पे आप जाके नाम में एक डॉट भी लगाओगे ना, वो बोलेगा बस अभी 90 डे तक हिलना नहीं है सर, ये डॉट हो गया अभी 90 डे के लिए, वार्निंग देता है वो बकायदा चेंज करने से पहले। उसका रीज़न यही है, क्योंकि नाम वो अगर बार बार चेंज करेगा ना बंदा, तो फिर तो बार बार ये होगा, फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो वो 90 डे का हम उसको खुद भी रोक सकते हैं कि नाम वो चेंज ना करें। अच्छा, नाम वैसे भी कोई चेंज नहीं करता है, बिला वजह क्यों कोई नाम अपना चेंज करेगा, ठीक है, नॉर्मल बंदा नाम चेंज नहीं करता अपना, बिल्कुल फारिग होते हैं जो वो लिखते हैं कि भाई बाबा की परी और पता नहीं इनोसेंट क्या है, इनोसेंट इनोसेंट गंजी इनोसेंट बच्चा, ठीक है। तो अब फेसबुक बाय द वे इस पर भी उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई, वो चेक करता है, वो कहता है ये रियल नेम नहीं है, और वो बोलता है कि रियल नेम नहीं है, आप अपना रियल नेम रखें, ठीक है, वो कहता है कि दिस डजंट लुक लाइक, वो पता नहीं जुगाड़ से करते हैं कुछ बाहर। तो वो आप
अगर मिसाल के तौर पे बंदा 6 महीने में एक दफ़ा अगर अपना नाम चेंज करता है या 90 दिन में एक दफ़ा अपना नाम चेंज करता है और उसका नाम चेंज करने में अगर 10 मिनट लगते हैं अगर, तो ये एक्सेप्टेबल है 90 दिन में एक दफ़ा 10 मिनट, क्योंकि कई हज़ारों लाखों जगहों पे जाके वो चेंज होगा, 10 मिनट का टाइम लगता है, इट इज़ ओके। क्योंकि फेसबुक क्या करेगा, उस वो ले लेगा नाम उस वक्त, और नाम लेने के बाद बैकग्राउंड में चलाएगा एग्रीगेशन, और वो आराम आराम से अपना नाम सब जगह जा जा के चेंज करता रहेगा, 10 मिनट में वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ये 90 दिन में एक दफ़ा हो रहा है, लेकिन ऑन अदर हैंड ये ट्वीट जो गेट होती है ये कितनी दफ़ा होती है, क्या 90 दिन में एक दफ़ा होती है? नहीं, डेली बंदा अपना प्रोफाइल खोलता है और डेली वो सारी ट्वीट सामने आ जाती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास नाम चेंज करना एक बहुत बड़ा अजाब तो बन गया है, लेकिन मसला ये कि नाम 6 महीने में एक दफ़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ना ये दिन में 6 दफ़ा हो रहा है। तो बेहतर ये है कि मैं जो 90 दिन में एक दफ़ा वाला काम है उसमें ज़्यादा टाइम लगा लूँ और इधर अपना टाइम बचा लूँगा। तो ये इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं डी नॉर्मलाइजेशन, कि बजाय इसके कि हम एक कलेक्शन में आईडी रखें और दूसरी जगह डेटा रखें, हम आईडी की जगह डेटा ही रखवा देते हैं, बोलते हैं भाई डेटा रखो इधर, और इसी तरह पाइल अप करते रहते हैं, डेटाबेस का साइज़ अपना बड़ा करते रहते हैं। तो ये डीनॉर्मलाइजेशन आपने समझ ली कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, डीनॉर्मलाइजेशन कोई समझाने यानी थियोरेटिकल बात है, ये कोडिंग तो इसमें इसी तरह होगा, ये मतलब ये हो गया, डीनॉर्मलाइजेशन इज लाइक दिस, ठीक है। अब जब ये नाम चेंज होगा तो उसके अंदर वो अपडेट की क्वेरी लगेगी डिफरेंट कलेक्शंस में जाके, और वो बोलेगा कि भाई वो वाला ट्वीट लेकर आओ जिसमें लाइक के अंदर इस बंदे का नाम है, उसको उठाओ, फिर उसको चेंज करो, फिर वापस रखो। तो एक्चुअली अपडेट की क्वेरी होगी, ठीक है, एक बड़ी सारी अपडेट की क्वेरी होगी कि भाई यहाँ यहाँ जाओ, इसको उठाओ और वो ले जाके रखो। अच्छा, ये काम आमतौर पे हम किस में करते हैं? एग्रीगेशन में करते हैं, या एटलीस्ट उसको हम किसी ऐसे तरीके से करते हैं कि स्क्रिप्ट के तरीके से हो रहा होता है वो, ठीक है। एग्रीगेशन अब क्या चीज़ होती है MongoDB में या किसी दूसरे डेटाबेस में, कि हम यहाँ से ना उसको क्राइटेरिया बता देते हैं और कहते हैं बस जाके उधर ही करो, पीछे जाके ना, इधर हमारे सामने नहीं करो। हम उसको बता देते हैं भाई ये काम करना है, और ये काम करके हम कहते हैं बस जाओ करो जाके, ठीक है। अच्छा, एक एग्रीगेशन होती है, एक ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन में सिंपली अपडेट होता है वो भी, लेकिन जब वो ट्रांजेक्शन चल रही होती है तो पूरे डेटाबेस को फ्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो MongoDB में ट्रांजेक्शन भी है और एग्रीगेशन भी है, दोनों है। अभी ये मैंने नाम बता दिए, अलग से इसको स्टडी कर लो तो बेहतर है। तो अभी हमारे पास टाइम हमारा हो चुका है, हमने आज बाय द वे अपडेट पासवर्ड करना था, वो चेंज पासवर्ड करना था और फॉरगेट पासवर्ड करना था। हाँ, तो बस वो आज हमने काफ़ी प्रोडक्टिव रही आज हमारी क्लास, हमने आज काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये ट्विटर का हम फॉरगेट पासवर्ड और अपडेट पासवर्ड करेंगे। अच्छा, और वो हम कहाँ पे कर रहे होंगे एक्चुअली? कहाँ गया वो हमारा मॉडल्स है ना ये, तो हमारे पास जो ये server.mjs है ना, इसमें जो ये गेट यूज़र है इसकी हम एक अलग फाइल बनाएंगे। यहाँ पे auth.mjs है, tweet.mjs, इसी तरह हम बनाएंगे user.mjs, सही है। तो user.mjs के अंदर हम ये गेट यूज़र भी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो बाकी की सारी चीज़ें जो होंगी अब चेंज पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, वो भी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ठीक है। और आपसे एक गुजारिश ये कि भाई जितना मैंने ये करवाया है कोशिश करना कि इसको कर लो इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वाला जो काम है ये सारी एप्लीकेशन में होता है भाई। ये नेविगेशन बार में ना दो जो मैंने बनाया है नीचे, लॉग इन लॉग आउट वगैरह, इसमें एक्चुअली लॉग इन लॉग आउट ही हुआ है, और तो कुछ ऐसा तो हुआ हुआ नहीं है जो हम पहले ना किया हो, जस्ट आज हमने एक एक्स्ट्रा क्वेरी लगाई है उसमें। तो ये वाला काम ना इतना तकरीबन सारी ऐप्स में हो रहा होता है, तो कोशिश करना कि यार इतना काम कर लो, ठीक है, ताकि अब नहीं ना, वो ई कॉमर्स अलग है, ये अलग ऐप है। ये आज हमने देखो 4 क्लासेस हमने करड ऑपरेशन पे किए ना, अब वो करड ऑपरेशन हमारा उतना हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरे पास कंप्लीट हो गया। तुम जो बना रहे हो उसमें उसको तुम अलग रखो, उसको और कुछ चीज़ें तुमने ऐड करनी हो करते रहो उसके अंदर। अब ये ट्विटर हमने एक नई एप्लीकेशन बनाई है आज, अब हम आगे का जो काम है अपडेट पासवर्ड, इमेज अपलोड, रियल टाइम जो सारी चीज़ें हैं वो अब हम इसमें करेंगे। जब कोई ट्वीट करता है तो वो रियल टाइम में दिख जाता है ना लोगों को,
सही है। या इसमें मे बी हम मैसेजेस भी अब ऐड कर दें रियल टाइम वाले में, कि मैसेजेस कम्युनिकेशन कुछ होना शुरू हो जाए, बात कर सकें जो आपस में इस प्लेटफॉर्म के यूज़र हैं, आपस में एक दूसरे से बात करें, तो वहाँ पे हमारे जो रियल टाइम कंप्यूटिंग है उसका एक सिनेरियो बन जाएगा काइंड ऑफ। और क्रड ऑपरेशन में वो बन नहीं पा रहा था सिनेरियो। हाँ नहीं नहीं वो तो सॉकेट अलग है। एक होता है पुल मैकेनिज्म, एक होता है पुश मैकेनिज्म। जो पुल मैकेनिज्म था ना वो ये वाला था जो हमने किया, गेट ऑल यूज़र को हम हर दफ़ा वो करते थे कि भाई पुल करो। और ये पुल मैकेनिज्म सिर्फ उसी सूरत में चलता है जब मुझे पता हो कि डेटा चेंज हो गया। भाई मैंने जब एक नई ट्वीट की है तो मुझे पता है ना कि मैंने नई ट्वीट कर दी है तो डेटा चेंज हो गया, तो मैं पुल कर लेता हूँ नया। इस केस में मुझे पुल करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो ट्वीट मैंने ही तो किया है उसी को वहीं पर लोकली ऐड कर दूँ मैं, सर्वर पर भेजूँ ही नहीं। सर्वर उसने बोला कि ऐड हो गया, मैं लोकली यहाँ पर दोबारा ऐड कर दूँ उसके अंदर। सही है, अगर किसी दूसरे ने ट्वीट की है कोई तो मुझे तो नहीं पता कि ट्वीट कर दी है किसी ने, डेटा चेंज हो गया डेटाबेस में, वो तो नहीं पता ना मुझे। तो ऐसी सूरत में जब मुझे पता होगा कि डेटा चेंज हो गया तो मैं पुल कर लूँगा। इस पुल मैकेनिज्म वो हमने कर लिया ऑलरेडी। एक होता है पुश मैकेनिज्म कि सर्वर आपको बताएगा कि बच्चा डेटा पीछे चेंज हो गया और वो खुद बताएगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे जो पुश नोटिफिकेशन आती है ना आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके पास ईमेल आती है एक पुश नोटिफिकेशन, तो पुश असल में क्या है कि सर्वर बताएगा को, आप नहीं बताएंगे। लेकिन उसका एक डाउन साइड है, उसका एक डाउन साइड ये कि जो पुश मैकेनिज्म होता है उसके लिए हम सॉकेट जो जिक्र कर रहे थे, हम के सॉकेट यूज़ करेंगे। सॉकेट एक लाइव कनेक्शन होता है। एक लाइव कनेक्शन का मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट होती है वो जब सर्वर पे जाती है अपने साथ रिक्वेस्ट और हेडर वगैरह वो सब चीज़ें लेकर जाती है, वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है और वो फिर वापस आ जाती है। सर्वर पे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वापस आ जाती है, ख़त्म हो जाता है कनेक्शन दरमियान से। जो सॉकेट का कनेक्शन होता है लाइव कनेक्शन, उसका सीन ये होता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स भी आ जाता है फ़ौरन ही, लेकिन वो रिक्वेस्ट और उसका जो हेडर वगैरह ना वो उधर रैम मेमोरी में सेव हो जाता है। असल में होता ये है कि उसका रिस्पांस इधर आता कैसे, ये भी तो एक सवाल है ना कि रिक्वेस्ट यहाँ से जब गई है तारों से गई है राउट तलाश करते करते, तो रिस्पांस इधर कैसे आया। वो ऐसे आया कि जाते हुए ना वो हेडर में जमा करता रहता है कि भाई मैं इस आईपी पे गया, फिर इस आईपी पे गया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे सीधा चला, फिर ऐसे सीधा गया, समझ रहे हो। उसको हम कहते हैं राउटिंग टेबल। तो वो जाते हुए ना वो जहाँ जहाँ से गुजरता है, वो आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो बच्चा होता है वो कंकर गिराते हुए जाता है, उसको कोई किडनैप करता है तो वो कंकर गिराते हुए जाता है, फिर वापसी उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो काइंड ऑफ जो HTTP रिक्वेस्ट होती है ये इसी तरह पहुंचती है सर्वर तक कंकर गिराते हुए, ठीक है। और वो कंकर उसके बाद लिखा हुआ होता है, टेबल बना लेता है कि इतने के बाद ये है, इतने के बाद राइट है, इतने के बाद लेफ्ट है। तो वो उधर ना रैम मेमोरी में सेव हो जाता है और सर्वर उसी वही पर्ची दे के भेजता है कि जाओ वापस जाओ। तो HTTP की नॉर्मल रिक्वेस्ट में और सॉकेट में यही डिफरेंस है कि वो पूरा का पूरा एड्रेस पता वो सेव हो जाता है उधर, और सर्वर को जब दिल करता है वो मैसेज भेजता रहता है उसी पते पर। सही है, अच्छा वो जब जब मैसेज भेजता है, जब जब राउटिंग चेंज होती है तो वो भी अपने पास अपडेट करता रहता है। तो इसका डाउन साइड ये है कि वहाँ पे ना अगर नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट अगर 1000 जा रही है तो वो उसको हैंडल कर लेता है ईजिली, क्योंकि रैम उसके पास इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती। जब तक रिक्वेस्ट रहती है जब तक रैम इस्तेमाल होती है, वापस गया तो रैम खाली हो गई, तो जितनी मर्जी रिक्वेस्ट, तो ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल हो जाती है। सॉकेट का कनेक्शन जो है ऑन अदर हैंड, मैंने एक रिक्वेस्ट की तो अब उधर सेव हो गया, अब जब तक मैं अपना ब्राउज़र बंद नहीं कर देता, उस टैब को बंद नहीं कर देता, वो कनेक्ट रहेगा और सर्वर में रिसोर्स यानी कि रैम मेमोरी लेके बैठा रहेगा कैप्चर करके। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट अगर इमेजिन कर लें कि 500 KB लेती है, अगर वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं लेती, वो चंद 2-4 KB होती है, लेकिन स्टिल मेरे पास 500 MB की जो रैम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 यूज़र एक वक्त में कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो जवाब दे देगा। ऑन अदर हैंड जो HTTP रिक्वेस्ट है प्लेन वाली, वो शायद 4-5 हज़ार साइमल्टेनियस यूज़र भी संभाल ले, ठीक है। तो ये लाइव कनेक्शन होता है, थोड़ी सी रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करता है लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहता है बहुत सारी जगहों पर। जितनी भी चैट एप्लीकेशंस हैं इस वक्त, वो तमाम की तमाम चैट एप्लीकेशन ये पुश मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रही होती हैं और सॉकेट वाला ही इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा, पुश मैकेनिज्म ना सॉकेट के अलावा भी एक दो हैं, एक पब सब कहलाता है, लेकिन वो पब सब जो है वो मैसेजेस के लिए और इन चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है वो, ठीक है। उसमें कुछ मसले हैं, वो मतलब IoT डिवाइसेस वगैरह में इस्तेमाल होता है वो पब सब, तो इसके अंदर सॉकेट ही सबसे बेस्ट है जो सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉकेट को हमने एहतियात से इस्तेमाल करना होता है,
रियल टाइम कंप्यूटिंग के लिए तो रिसोर्स कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होती है थोड़ी नॉर्मल HTTP और होता वो TCP पे ही है। TCP समझते हो ना, ये सारा कुछ TCP के ऊपर चल रहा है, जो TCP की 3 या 4 लेयर्स हैं उसके ऊपर चल रहा है, यानी कि अंडर द हुड वो एक HTTP रिक्वेस्ट ही होती है और बट वो उधर सेव हो जाती है जस्ट, और वो सर्वर खुद ही पुश करता रहता है वहाँ से। जब पुश करता है हमें लगता है कि खुद से बता रहा है सर्वर, लेकिन असल में क्या होता है, हमने उसको बोला हुआ होता है कि भाई मुझे बताना, और एड्रेस भी अपना उधर भेजा हुआ होता है। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।